एन सी आर टी चैप्टर नंबर वन एक्सरसाइज क्वेश्चन देखिए वॉट इज द फोर्स बिटवीन टू स्मॉल चार्ज हैविंग चार्जेस टू इंटू कूलम सेकेंड चार्ज थ्री इंटू ट्वेंटी वार माइनस सेवन कुलम प्लेस्ड थर्टी सेंटीमीटर अपार्ट इन एयर डिटरमाइन द फोर्स देखिए यहाँ पे क्वेश्चन में कहता है कि पहला स्पीयर है ए दूसरा स्पीय है हमारा बी पहले स्पीयर के ऊपर जो चार्ज दे रखा है हम उसको क्यू एलेट कर रहे हैं उसकी वैल्यू है टू इंटू टेंड दबार माइनस सेवन कूलम और जो सेकंड स्फीयर है जिसको हमने बी बोला है इसके ऊपर टोटल चार्ज हो गया क्यू बी थ्री इंटू टेंड दबार माइनस सेवन कूलम दोनों स्फीयर्स के बीच में जो डिस्टेंस हमको दे रखा है दैट इज़ थर्टी सेंटीमीटर अब यहाँ ना एक चीज़ याद रखनी चाहिए कि डिस्टेंस मेजर किया जाता है सेंटर ऑफ वन बॉडी टू सेंटर ऑफ अदर बॉडी ठीक है तो एक स्फीयर के सेंटर से दूसरे स्फीयर के सेंटर तक का जो डिस्टेंस है दैट इज़ थर्टी सेंटीमीटर अब सबसे पहली बात डिस्टेंस को हम आर से लिखते हैं अब यहाँ पे ना एक ये सिंपल क्वेश्चन है कूलम्स लॉ के ऊपर कूलम्स लॉ कहता है टोटल फोर्स बिटवीन टू चार्जेस इज गिवन बाय वन बाई फोर पाई एफ साल नॉट क्यू वन क्यू टू डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर नाउ क्यू वन का वैल्यू कितना हो गया टू इंटू टेंट दाइनस सेवन जो कि क्यू ए माना है जिसको हमने क्यू टू का वैल्यू क्या हो गया थ्री इंटू टेंड दर माइनस सेवन जिसको हमने माना है क्यू बी अब दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है दैट इज़ थर्टी सेंटीमीटर लेकिन याद रहे जब चार्जेस कूलम में होते हैं ना तो डिस्टेंस सेंटीमीटर में नहीं चलता है डिस्टेंस को आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा मीटर में तो आपने आर की जगह लिखना है थर्टी इंटू टेंट दे माइनस टू मीटर ना अब आपके पास आर की वैल्यू भी आ गई अब आपके पास क्यू वन की वैल्यू भी आ गई और क्यू टू की वैल्यू भी आ गई ठीक है ना डायरेक्ट फॉमूले में हम प्लेस करेंगे और हमारा आंसर आ जाएगा इससे ऊपर एक बात और सुन लो क्यू ए का नेचर जो है वो पॉजिटिव है ये पॉजिटिव वैल्यू है क्यू बी इसका नेचर भी पॉजिटिव है जब दो चार्जेस आप लेके चलते हैं ध्यान रखिए दो चार्जेस जिनका नेचर सेम होता है तो उस केस में रिपल्सिव फोर्स होता है अब इस क्वेश्चन में तो हमसे मांगा नहीं था नेचर ऑफ द फोर्स लेकिन फिर भी कभी भी मांग सकता है और नहीं भी मांगता है, तो डायरेक्टली लिखने में कोई बुराई नहीं है आप डायरेक्टली लिखो रिपल्सिव ठीक है ना तो जो नेचर ऑफ फोर्स होगा वो होगा रिपल्सिव नेचर ऑफ फोर्स इससे हमारा आंसर थोड़ा सा इंप्रेसिव बन जाता है अब हम फोर्स की वैल्यू कैलकुलेट करने लगे हैं वन बाय फोर बाई एफ सेन नॉट क्यू वन क्यू टू डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। फाइनली अब हम वैल्यूज प्लेस करेंगे और हमारा आंसर आ जाएगा फोर्स का वैल्यू सबसे पहले वन बाय फोर एफ नॉट इसको लिखते हो आप नाइन इंटू टेंट दाइन क्यू वन की जगह आपने लिखा टू इंटू टेंट दाइनस सेवन क्यू टू की जगह लिखा आपने थ्री इंटू टेंट सेवन डिवाइडेड बाय आर की जगह आपने लिखा थर्टी इंटू टेंड द माइनस टू इसका होल स्क्वायर ठीक है जी नाउ अब आप सिंपल कैलकुलेशन करोगे नाइन इंटू टेंट दाइनस टू सॉरी नाइन इंटू टेंट दम नाइन सॉरी सॉरी यहाँ आपने इसको ऐसे ही छोड़ दिया टू इंटू टेंड दर माइनस सेवन इंटू थ्री इंटू टेंट दाइनस सेवन इसको भी हमने ऐसे ही छोड़ दिया डिवाइडेड बाय थर्टी का स्क्वायर हो गया नाइन हंड्रेड टेंट फोर अब डायरेक्ट हम कैलकुलेशन करते हैं देखिए सबसे पहली बात माइनस सेवन और माइनस सेवन मिल क्या बन जाएगा टेंट दबार माइनस फोर्टीन अब माइनस फोर्टीन और यहाँ दिया नीचे माइनस फोर्थ कैंसल हो गया यहाँ क्या बचा टेंट दीवार माइनस टेन ऊपर दूसरी बात दो ज़ीरो हैं ये दो जीरो यहाँ कैंसिल हो गए टेंट दर रह गया सेवन अब आप देखो नाइन से नाइन भी कैंसिल हो गया अब फाइनली जब आप आंसर लिखने की स्टेप पर आते हो तो टू इन ये कितना हो गया आपका सिक्स इन टू डिनोमिनेटर में कुछ बचा नहीं छोड़ दो उसको टेंट द पावर माइनस सेवन ये दे रखा है टेंट माइनस टेन ये दे रखा है तो ओवरऑल बन गया टेंथ माइनस थ्री न्यूटन फाइनल जो यूनिट बनेगा वो फोर्स का बनेगा न्यूटन अब यहाँ पे एक स्टेप आप और बढ़ा सकते हो टेंट दाइनस थ्री को लिख सकते हो मिली सिक्स मिली न्यूटन मिली को डिनोट करते हैं स्मॉल एम से ठीक है फाइनल आंसर हो गया हमारा सिक्स मिली न्यूटन दूसरी बात नेचर ऑफ द फोर्स कैसा था रिपल्सिव होपफुली क्वेश्चन समझ में आ गया होगा देखिए okay. क्या कहता है क्वेश्चन में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑन अ स्मॉल स्फीयर ऑफ चार्ज 0.4 पॉइंट फोर माइक्रोकूलम यानी कि जो पहला स्फीयर है उसके ऊपर चार्ज हमको दे रखा है 0.4 पॉइंट फोर माइक्रोकूलम दूसरा स्फीयर अनदर स्फीयर ऑफ चार्ज माइनस जीरो पॉइंट एट यानी कि जो सेकेंड स्फीयर है उसके ऊपर चार्ज दे रखा है माइनस का जीरो पॉइंट एट माइक्रोकूलम और दोनों के बीच में जो फोर्स लग रही है दैट इज़ ज़ीरो पॉइंट टू न्यूटन अब यहाँ पे ना एक बात समझने की है थोड़ी सी कि एक स्फीयर जो है पहला वाला स्फीयर है उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है दूसरा वाला स्फीयर उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है तो दोनों के बीच में कैसा फोर्स लगेगा अट्रैक्टिव तो यहाँ से हम एक बात ये समझ सकते हैं कि नेचर ऑफ द फोर्स तो हो गया अट्रैक्टिव नंबर वन हमसे बोलता है कि वॉट इज़ द डिस्टेंस बिटवीन टू स्फीयर्स पहले पार्ट में दो पार्ट मांगे हमसे और पहले पार्ट में दोनों के बीच का डिस्टेंस मांगा गया है आर की वैल्यू एक के सेंटर से दूसरे के सेंटर तक का डिस्टेंस एक्चुअल में ये कैलकुलेट होकर के आता है आर की वैल्यू हमको बतानी है दूसरे पार्ट में बोलता है वॉट इज द फोर्स ऑन सेकेंड स्पियर ड्यू टू फर्स्ट सेकेंड स्पीयर के ऊपर पहला स्पीयर कितना फोर्स लगाएगा अब यहाँ पे ना क्वेश्चन की स्टेटमेंट को थोड़ा समझना चाहिए पहले स्पीयर के ऊपर देखिए इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑन स्मॉल स्पीयर ऑफ चार्ज दिस वैल्यू यानी कि जो स्पीयर जिसके वो स्पीयर जिसके ऊपर चार्ज 0.4 पॉइंट फोर माइक्रोकुलम है यानी कि पहला स्पीयर यानी कि ए स्पीयर उसके ऊपर B कितना फोर्स लगा रहा है वो लगा रहा है 0.2 न्यूटन तो बताओ B के ऊपर A कितना फोर्स लगाएगा वो भी तो 0.2 न्यूटन फोर्स लगाएगा समझ आई पहली बात नंबर वन सेकेंड पार्ट को मैं पहले इसलिए समझाना चाह रहा हूँ क्योंकि ये एक्शन और रिएक्शन के ऊपर डिपेंड करता है ए के ऊपर बी जो फोर्स लगा रहा है वो है जीरो न्यूटन यानी कि हम लिख सकते हैं एफ ए बी फोर्स ऑन ए ड्यू टू बी मैं इसको एलेबोरेट कर रहा हूँ फोर्स ऑन ए डू टू बी इज गिवन बाय जीरो पॉइंट टू न्यूटन अब हमको बोलता है फोर्स ऑन बी ड्यू टू ए ये बताना है सेकेंड वाले स्पीयर के ऊपर पहला वाला स्पियर कितना फोर्स लगाएगा फोर्स ऑन बी ड्यू टू ए ये कितना होगा भाई ये भी तो जीरो पॉइंट टू न्यूटन होगा समझ आई पहली बात ये तो हो गया इसका मैग्नेट्यूड अब डायरेक्शन क्या होगा अब इसको कैसे कैलकुलेट करोगे ध्यान से देखो फोर्स ऑन ए ड्यू टू बी अब ए और बी के बीच में फोर्स लग कौन सा रहा है अट्रैक्टिव फोर्स फोर्स ऑन ए ए के ऊपर कौन फोर्स लगा रहा है बी बी क्या करेगा उसको अट्रैक्ट करेगा यानी कि अपनी तरफ खींचेगा ये डायरेक्शन ये जो एरो से बताया है ये डायरेक्शन हो गया एफ ए बी का फोर्स ऑन ए ड्यू टू बी बी क्या कर रहा है ए को अपनी तरफ खींच रहा है अपनी तरफ खींच रहा है इसका मतलब एरो हो गया बी की तरफ अब सेकेंड पार्ट में हमसे मांगा है फोर्स ऑन बी ड्यू टू ए तो बी के ऊपर कौन फोर्स लगाएगा ए ए क्या करेगा वो उसको अपनी तरफ पुल करेगा तो ये डायरेक्शन हो गया बी ए का ये ध्यान रखिएगा यहाँ पे हम डायरेक्टली लिख सकते हैं एफ ए बी इज़ इक्वल टू नेगेटिव ऑफ़ एफ बी ए अब ये चीज़ आप चाहे समझो चाहे इसे छोड़ दो कोई ख़ास फर्क नहीं पड़ने वाला डिटेल में जाने से एक चीज़ आगे के लिए आसानी हो जाएगी कि आपका कंसेप्ट अच्छा हो जाएगा कोई फर्क नहीं पड़ने वाला ये सिर्फ मैंने इसलिए बात बोली क्योंकि बेसिक लेवल पे आप डायरेक्टली 0.2 लिख सकते हो और आंसर दे सकते हो अपोजिट डायरेक्शन इतना भी चल जाएगा लेकिन मैंने डिटेल जो सारी समझाई आपको नॉलेज आपके नॉलेज को एनहेंस करेगी आपको आगे इस इस टाइप के क्वेश्चन करने में आसानी हो जाएगी ठीक है ना तो सबसे पहली बात आपको पता चल गया कि 0.2 न्यूटन का फोर्स लगेगा लेकिन उसकी डायरेक्शन अपोजिट होगी मैंने डायरेक्शन एक्सप्लेन करने की कोशिश करी अब फर्स्ट पार्ट पे आते हैं हमको कैलकुलेट करना है आर का वैल्यू अब देखिए वो कैसे करेंगे आप कोलम स्लॉ का फार्मूला लगाइए यहाँ पे क्या होता है कोलम स्लॉ का फार्मूला वन बाई फोर पाई एफ सैलन नाट क्यू वन क्यू टू डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर ये सिंपल फार्मूला होता है अब आप क्या कर सकते हो वन बाई फोर पाई एफ सैलन की जगह आपने लिख दिया नाइन इंटू टेंट दाइन पहला चार्ज हमको कितना दे रखा है जीरो पॉइंट फोर माइक्रो माइक्रो का मतलब टेंट दाइनस सिक्स ये पहला चार्ज हो गया दूसरा चार्ज हमको दे रखा है 0.8 पॉइंट एट इन टू टेंट दर माइनस सिक्स ये भी माइक्रो दे रखा है डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर अब इस रिलेशन को आप थोड़ा समझने की कोशिश करिए ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है अब यहाँ पे ना हमने माइनस साइन नहीं लिया है और मैं आपको एक तरीका बता रहा हूँ कभी भी कूलम फोर्स का न्यूमेरिकल हो उसमें अगर चार्ज के साथ माइनस साइन दिया हो उसको ना यूज़ करो माइनस साइन का यूज़ करके डायरेक्शन ऑफ फोर्स निकाल लो जो कि हमने अभी पहले डिस्कस करा तो अब हम यहाँ पे ना डायरेक्टली आर की वैल्यू निकाल पाएंगे फोर्स की वैल्यू कितनी रखी थी हमको जीरो पॉइंट टू न्यूटन ठीक है जी दूसरी बात नाइन इंटू टेंट दाइन हमने ऐसे लिखा जीरो पॉइंट फोर इंटू टेंट दाइनस सिक्स ये ऐसे लिखा फिर जीरो पॉइंट एट इंटू टेंट दाइनस सिक्स ए ऐसे लिखा डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर अब आर स्क्वायर इस तरफ चला जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा जीरो पॉइंट टू से तो आर स्क्वायर इंटू जीरो पॉइंट टू ये हो गया पहला स्टेप अब यहाँ पे समझिए टेंट दाइनस सिक्स और 10 द माइनस सिक्स मिल करके क्या बन गया 10 द माइनस ट्वेल्व ये कैंसिल नहीं करा है, ये दोनों को मिला दिया है ज़ीरो पॉइंट फोर इंटू जीरो पॉइंट एट एट इंटू फोर कितना होता है थर्टी टू अब डेसीमल यहाँ डेसीमल यहाँ तो ये यह हो जाएगा दो डेसीमल यानी कि जीरो पॉइंट थ्री टू और साथ में क्या बचा आपके पास नाइन इंटू टेंट 9 अब आपको आर स्क्वायर की वैल्यू बतानी है तो ज़ीरो पॉइंट टू को आप डिनोमिनेटर में ले जाओगे क्या हो जाएगा टेंट द पार माइनस ट्वेल्व इंटू ज़ीरो पॉइंट थ्री टू इंटू नाइन इंटू टेंट होल डिवाइडेड बाय ज़ीरो पॉइंट टू अब आपने डेसिमल हटाया तो यहाँ तो आ गए नीचे दो जीरोस ये वाला डेसिमल हटाया तो ऊपर चला गया एक ज़ीरो ठीक है सिंपल कैलकुलेशन अब यहाँ पे आप क्या करो टेंट दर नाइन दे रखा है नाइन और एक ज़ीरो मिला दोगे तो कितना हो गया टेन टेंट द पावर टेन और यहाँ पे कैंसिल हुआ टेंट दार माइनस ट्वेल्व फाइनल बचा टेंट दाइनस टू माइनस ट्वेल्व में से टेन चला गया नाइन प्लस वन टेन माइनस ट्वेल्व में से टेन चला गया माइनस टू अब देखिए यहाँ पे ये ज़रा समझिएगा इस बात को टू से कैंसिल करा ये हो गया सिक्सटीन तो आर स्क्वायर इज इक्वल टू टेंथ दर माइनस टू ये बचा सिक्सटीन ये बचा नाइन ये बचा डिनोमिनेटर में बचा हंड्रेड अब यहाँ पे भी आप कर सकते हो ये जो हंड्रेड है ये ऊपर चला जाएगा तो कितना बन जाएगा टेंट दर माइनस टू इंटू माइनस टू इंटू सिक्सटीन इन टू नाइन ये किसकी वैल्यू आ गई आर स्क्वायर की अब इसको सिंप्लीफाई करना बहुत ही आसान है आर इज इक्वल टू अंडर रूट टेंट टू दाइनस फोर ये हो गया माइनस टू माइनस टू माइनस फोर हो गया सिक्सटीन इंटू नाइन अब ये बताइए सिक्सटीन का रूट क्या होता है फोर नाइन का रूट क्या होता है थ्री टेंट टू दार माइनस फोर का रूट क्या हो गया टेंट द पार माइनस टू फाइनली फोर इंटू थ्री ट्वेल्व इंटू टेंट द पार माइनस टू इसको और सिंप्लीफाई करोगे 12 अपॉन टेंट टू यानी के 0.12 पॉइंट वन टू आर की वैल्यू आ गई ये आया फाइनल आंसर हमारा मीटर्स में ठीक है क्वेश्चन कहता है कि एक रेशो हमको गिवन है ये देखिए के ई स्क्वा ओवर जी एम ई एम पी ठीक है ये रेशो हमको गिवन है हमको पहला पार्ट तो इस क्वेश्चन में बोला गया है कि ये शो करिए कि ये डायमेंशन लेस है डायमेंशन लेस का मतलब हो गया यूनिटलेस हम ये जितने भी क्वांटिटीज़ हमारे सामने गिवन हैं इन सब की यूनिट प्लेस करेंगे और लास्ट में हम आंसर लेके आएंगे कि कोई भी यूनिट हमारा बच नहीं रहा है दैट मीन्स द क्वांटिटी इज़ डाइमेंशन लेस ठीक है नंबर वन दूसरे पार्ट में वो बोलता है लुक एट द टेबल ऑफ फ़िजिकल कॉन्स्टेंट्स ये कौन कौन से कॉन्सटेंट्स गिवन हैं वो हमको पता होना चाहिए उनकी वैल्यू हम प्लेस करेंगे और बाद में इस पूरे रेशो का भी नेट वैल्यू हमको बताना है ठीक है दूसरा पार्ट हो गया तीसरे पार्ट में हमसे पूछता है कि भाई ये रेशो बता क्या रहा है इस रेशियो का मेन सिग्निफिकेंस क्या है वो हमको बताना है ठीक है तो जल्दी से हम क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है यहां बोलता है के ई पी सबसे पहले तो जो सिंबल्स लिखे ना इनके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए के का मतलब ये है नाइन इंटू टेंट दावर नाइन न्यूटन मीटर स्क्वेर पर कूलम स्क्वेयर कूलम फोर्स में जो कांस्टेंट हमारा यूज होता है जिसको हम वन बाई फोर फाई एफसेलन नॉट के नाम से लिखते हैं वन बाय फोर पाई एफसेलन नाट का यूज करके हम जो लिखते हैं वो ये वैल्यू है के E का मतलब है चार जनदी इलेक्ट्रॉन तो यहाँ पर E का वैल्यू वो माइनस वन पॉइंट सिक्स इंटू टेंट दावर माइनस नाइनटीन हाँ अगर आपको कांस्टेंट की सिर्फ वैल्यू निकालनी हो ना तो नेगेटिव साइन लगाने की जरूरत नहीं है ये वाले नेगेटिव साइन को आप इग्नोर कर सकते हैं टेंट द पावर माइनस नाइनटीन वैसा ही रहेगा लेकिन जो पहले माइनस साइन आपने वन पॉइंट सिक्स से पहले जो लिखा है उसको आप हटा सकते हैं कैपिटल जी का मतलब होता है यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट 6.67 पॉइंट सिक्स सेवन टेंट पार माइनस इलेवन इसका यूनिट होता है न्यूटन मीटर स्क्वायर पर के जी इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज आपने लिखा है वहां पे इसकी यूनिट बन जाएगी कूलम लास्ट में हमको बोलता है एम ई एम ई स्टैंड्स फॉर मास ऑफ इलेक्ट्रॉन नाइन पॉइंट वन इंटू टेंट थर्टी वन के जी ये होता है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन फिर होता है एम पी स्टैंड्स फॉर मास ऑफ प्रोटॉन नाइन सॉरी वन पॉइंट सिक्स सेवन इंटू टेंट दे पार माइनस ट्वेंटी सेवन के जी ये होता है मास ऑफ प्रोटॉन अब जितनी भी क्वांटिटीज ये लिखी है ना सबकी वैल्यू और सबकी जो यूनिट्स बनती हैं वो मैंने आपके सामने लिखी तो पहला पार्ट हम जल्दी से इस क्वेश्चन का सॉल्व करेंगे जो कहता है कि इस रेशो का वैल्यू क्या है सॉरी इस रेशो को डायमेंशन आपने शो करना है देखिए रेशो है हमारा के ई स्क्र ओवर जी एम वन एम टू एम ई एम पी भी बोल सकते हैं एम वन एम टू भी बोल सकते हैं कई जगह पे ठीक है क्वेश्चन में फिलहाल एम ई मे एम ई और एम पी लिखा है तो हम वैसा ही यूज़ करेंगे तो रेशो हो गया के ई स्क्वा ओवर जी एम ई एम पी अब मैं इसकी सारी यूनिट्स रखने वाला हूँ के का यूनिट क्या था न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर इलेक्ट्रॉन का यूनिट क्या था इलेक्ट्रॉन के चार्ज का यूनिट कूलम तो क्योंकि ई e स्क्वायर है तो यहाँ पे हो गया कूलम स्क्वायर दूसरी बात कैपिटल जी का यूनिट था न्यूटन मीटर स्क्वायर पर के जी स्क्र और मास ऑफ इलेक्ट्रॉन किस में था के जी में मास ऑफ प्रोटॉन किस में था वो भी के जी में ठीक है अब आप यहाँ से देखो दो बार है, आ रहा है के जी के जी और के जी ये के जी का जो पावर माइनस टू है कैंसिल हो गया इससे न्यूटन मीटर स्क्वायर से न्यूटन मीटर स्क्वायर ऊपर कैंसिल हो गया कूलम टू दावर माइनस टू कूलम टू द पावर टू ये कैंसिल हो गया ओवरऑल वैल्यू क्या बचेगा बताइए नो यूनिट लिख सकते हैं ना नो no यूनिट का मतलब क्या होता है यूनिट लेस क्वांटिटी और यूनिट लेस क्वांटिटी का दूसरा नाम क्या बोल सकते हो आप डाइमेंशन लेस क्वांटिटी ठीक है डायमेंशन लेस क्वांटिटी नाउ क्वेश्चन का सेकंड पार्ट सेकंड पार्ट में हमसे कहता है कि ये जो रेशो हमारा सारा गिवन है इसकी वैल्यू क्या आने वाली है रेशो हमारे को गिवन है के ई स्क्वेयर ओवर जी एम ई एम पी अब इसका न्यूमरल वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए जितने भी ये फिजिकल कॉन्स्टेंट्स हमको दे रखे हैं इनकी वैल्यूज हम प्लेस कर देंगे तो वैल्यू हमारी क्या बनेगी वो देखिए वैल्यू प्लेस करने के बाद ओवरऑल हमारा कैलकुलेशन किस तरीके से होगा बहुत सिम्प्लीफाइड फॉर्म में आप समझिए के का वैल्यू होता है नाइन इंटू टेंट दार नाइन ई का वैल्यू वन पॉइंट सिक्स इंटू टेंड दार माइनस नाइनटीन अब यहाँ पे मैं ई e का मैग्नीट्यूड ले रहा हूँ इलेक्ट्रॉन का चार्ज नेगेटिव होता है लेकिन न्यूमरल वैल्यू निकालने के लिए नेगेटिव साइन लेने की ज़रूरत नहीं है डिनोमिनेटर में है जी यानी कि 6.67 पॉइंट सिक्स सेवन इंटू माइनस इलेवन उसके बाद हमको दे रखा है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन नाइन पॉइंट वन इंटू टेंट दाइनस थर्टी वन साथ में दे रखा है मास ऑफ प्रोटॉन यानी कि वन पॉइंट सिक्स सेवन इंटू टेंट ट्वेंटी सेवन ठीक है अब यूनिट्स मैंशन करने की जरूरत नहीं है ना सिंपलीफाई सिंप्लीफाई करने का एक बड़ा आसान तरीका है जैसे नाइन एक साथ लिखो उसके साथ वन पॉइंट सिक्स और वन पॉइंट सिक्स क्योंकि दो बार आएगा स्क्वायर है टेंट जितना भी है ना वो एक साइड कर दो टेंड दर नाइन उसके बाद टेंट माइनस नाइनटीन ये भी दो बार है तो टेंट दबार माइनस नाइनटीन डिनोमिनेटर में आपका आ जाएगा सिक्स पॉइंट सिक्स सेवन इन टू सॉरी नाइन पॉइंट वन इन टू वन पॉइंट सिक्स सेवन लास्ट में टेंथ दिबा पावर फिर एक साथ कर दो वो बन जाएगा टेंट दबार माइनस 11, टेंट दबार माइनस थर्टी वन और लास्ट में टेंट दबार माइनस ट्वेंटी सेवन अब आप यहाँ पे देखिए कि ये जो सारे न्यूमरल वैल्यूज़ हैं इसका ओवरऑल आंसर आपका क्या बन सकता है बहुत सिंपल है 1.6 और 1.6 मल्टीप्लाई होकर के 2.56 बन जाएगा इसको स्टेप बाय स्टेप अपने कैलकुले अपने तरीके से भी आप कैलकुलेशन कर सकते हैं फिलहाल मैं डायरेक्ट बता रहा हूँ इसको यहाँ पे आपने मल्टीप्लाई किया 9.1 पॉइंट is... वन इज ऑलमोस्ट ई को बैलेंट टू नाइन तो वो कैंसल आउट भी हो सकता है नाइन के साथ ठीक है ना वन पॉइंट सिक्स सेवन को कई बार आप ऐसे कैलकुलेट कर लेते हो कई बार इसको वन पॉइंट सेवन लिख देते हो तो ओवरऑल जब आप कैलकुलेशन कर लेते हैं तो इसका आंसर आपका बनेगा जीरो पॉइंट टू थ्री फोर अप्रोक्सीमेटली इट मे बी अराउंड इट मे बी जीरो पॉइंट टू थ्री इट मे बी जीरो पॉइंट टू फोर इट मे बी जीरो पॉइंट टू टू हमने एक रफ कैलकुलेशन इसका लिख दिया साथ में ना उसके बाद मल्टीप्लाई कर रहे हैं टेंथ पावर कितना बचता है ऊपर आप देखें माइनस नाइनटीन माइनस नाइनटीन टेंट दाइनस थर्टी एट माइनस थर्टी एट और नाइन उसमें से लेस हो जाएगा तो टू दिबार माइनस ट्वेंटी डिनोमिनेटर में क्या बचता है 10 दिबार माइनस इलेवन माइनस थर्टी वन माइनस ट्वेंटी सेवन इन सबको जब आप प्लस करते हैं तो ये बन जाता है 10 दिबार माइनस सिक्सटी नाइन अब ये कैंसल आउट हो गया टेंट दबार बन गया हमारा माइनस फोर्टी अब ये माइनस फोर्टी जीरो पॉइंट टू थ्री फोर तो हमने ऐसे ही छोड़ दिया माइनस फोर्टी ऊपर जाएगा तो टेंट दबार प्लस फोर्टी अब यहाँ पे ना ये आंसर हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है चल सकता है ये इसमें गलत कुछ नहीं है बट हम वी शुड राइट आंसर इन स्टैंडर्ड फॉर्म तो जीरो को हम क्या करेंगे इन करेंगे अब जब इन टू टेन करोगे ना तो टेंट दार फोर्टी में से एक पावर लेस हो गई तो टेंट दार रह गया थर्टी नाइन तो ये बन गया हमारा टू पॉइंट थ्री फोर इन टू टेंट दर्टी नाइन नाउ दिस इज़ द वैल्यू ऑफ दिस रेशो पहला पार्ट हमने शो किया डायमेंशन लेस दूसरा पार्ट हमने उसकी वैल्यू निकाली तीसरे पार्ट में हमसे बोला था कि भई ये पूरा रेशो सिग्निफाई क्या करता है वो समझिए ज़रा बहुत अच्छा पॉइंट पॉइंट है ये भी रेशो सिग्निफाई ये करता है ये देखिए ऐसा है हमारा एक होता है कूलम फोर्स एक होता है ग्रेविटेशनल फोर्स अब मान लीजिए एक हमारे पास है इलेक्ट्रॉन और एक है प्रोटॉन समझने की कोशिश करना इसको एक इलेक्ट्रॉन है और एक प्रोटॉन है दिस इज इलेक्ट्रॉन दिस इज प्रोटॉन ठीक है प्रोटॉन को हम पी से लिख रहे हैं वैसे प्रोटॉन होता है बीटा पार्टिकल नाउ अब सॉरी प्रोटॉन होता है आपका हाइड्रोजन आइसोटोप बीटा पार्टिकल होता है इलेक्ट्रॉन ना अब क्या हुआ यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटॉन के बीच में डिस्टेंस हमने लगा दिया आर ठीक है अब मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है एम ई और मास ऑफ प्रोटॉन है एम और इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज होता है उसको भी मैं ई e लिखता हूँ और प्रोटोन का जो चार्ज है उसको भी मैं ई e लिखता हूँ क्योंकि दोनों की न्यूमरल वैल्यू सेम होती है ये समझने की बात है केवल साइन का डिफरेंस होता है एलिमेंट्री चार्ज अगर आपसे पूछेगा कोई तो आप बोलिएगा चार्ज ऑन द इलेक्ट्रॉन बट चार्ज ऑन द इलेक्ट्रॉन में से नेगेटिव साइन हटा दो तो क्या बन जाता है चार्ज ऑन द प्रोटॉन नाउ अब कूलम फोर्स निकाला हमने इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बीच में तो हम लिखते हैं के ई वन E2, E1, E2 समझे E1 का मतलब यहां पर चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन E2 का मतलब चार्ज ऑनदी प्रोटॉन दोनों बराबर हैं तो हमने लिख दिया E इन टू डिड बाई आर स्कोम क्या आएगा अब ग्रेविटेशनल फोर्स की हम बात कर रहे हैं तो G m1 m2 ओवर टू ओवर मास ऑफ इलेक्ट्रॉन मास ऑफ प्रोटॉन डिवाइडेड आर स्क्वायर ना अब आप यहां पे बहुत अच्छे से समझ सकते हैं आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल हो गया तो ओवरऑल हमारा फॉर्मुला बना क्या के ई e यही रेशियो हमको क्वेश्चन में गिवन था इसका मतलब ये जो रेशो क्वेश्चन में हमको गिवन था वो कूलम फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स का रेशो था फॉर इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन सेपरेटेड बाय सम डिस्टेंस। तो यहां पर ये जो हमारी वैल्यू आई है ना ये वाली ये है एक्चुअली कूलम फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स का रेशो फॉर इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन सेपरेटेड बाय डिस्टेंस तो पॉइंट थ्री फोर इंटू टेंट दर्टी अब यहां से अगर आप फाइनल एक स्टेप बनाने की कोशिश करो तो क्या लिखोगे एफ सी इज इक्वल टू एफ जी इन टू टू पॉइंट थ्री फोर सॉरी टू पॉइंट थ्री फोर इंटू इसका मतलब ये है कि कूलम फोर्स बिटवीन इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन इज इतना टाइम्स देयर ग्रेविटेशनल फोर्स समझ में आया आपको एक प्रोटॉन है और एक इलेक्ट्रॉन है दोनों के बीच में कुछ दूरी है दोनों के बीच में कोई ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है उसका 2.34 पॉइंट थ्री फोर इंटू टें बार थर्टी टाइम्स करोगे ना तो उन दोनों के बीच का कूलम फोर्स आएगा इससे यह पता चलता है कि कूलम फोर्स कितना ज्यादा स्ट्रोंग है एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ द स्टेटमेंट इलेक्ट्रिक चार्ज ऑन अ बॉडी इज क्वांटाइज अब क्वांटाइजेशन का मतलब क्या होता है अगर हम सिंपल लैंग्वेज में बात करें तो Q इज इक्वल टू प्लस माइनस है नहीं मैथमेटिकल एक्सप्रेशन तो यही होता है ना क्वांटाइजेशन का अब इसमें क्यू क्या है टोटल चार्ज ऑन दी बॉडी E क्या है 1.6 पॉइंट सिक्स इंटू बार माइनस नाइन्टीन या माइनस वन पॉइंट सिक्स इंटू बार माइनस नाइनटीन जिसको आप चार्ज ऑन दी इलेक्ट्रॉन भी बोल देते हो ठीक है ना इसको कई बारी इसमें दो बातें होती हैं ध्यान रखिएगा E का वैल्यू ना किसी किसी जगह पे माइनस वन पॉइंट सिक्स इंटू बार माइनस नाइनटीन ऐसे ले लिया जाता है कई जगह पे सिर्फ वन पॉइंट सिक्स इंटू बार माइनस नाइनटीन इस तरीके से सिर्फ ऐसे लिख दिया जाता है एक्चुअल में है ये ऊपर वाला है चार्ज ऑन दी इलेक्ट्रॉन नीचे वाला होता है चार्ज ऑन दी प्रोटॉन फिलहाल क्वांटाइजेशन को कंसिडर करने के लिए या समझने के लिए हम ई e का वैल्यू एक जनरल वन पॉइंट सिक्स इंटू टेंट माइनस नाइनटीन लेट कर लेते हैं अब क्वांटाइजेशन कहता क्या है कि अगर किसी भी बॉडी के ऊपर टोटल चार्ज है क्यू और उसको ई e से डिवाइड करा जाए तो फाइनल आंसर क्या आना चाहिए इंटीजर अब इंटीजर का मतलब होता है पॉजिटिव वैल्यू या नेगेटिव वैल्यू कोई भी प्लस टू प्लस थ्री प्लस फोर एंड सो ऑन इसको आप इंटीजर मान सकते हो माइनस टू माइनस थ्री माइनस हंड्रेड माइनस नाइन्टी नाइन ये सारा इंटीजर हो सकता है लेकिन अगर मैं बात करूँ फोर अपॉन थ्री ये इंटीजर नहीं है क्योंकि ये डेसिमल में आ जाएगा डेसिमल वैल्यू नहीं होना चाहिए पॉजिटिव नेगेटिव चल सकता है कई जगह लिखा जाता है फोर अपॉइंट टू अब ये वैसे तो फ्रैक्शन है लेकिन फोर अपॉइंट टू का ओवरऑल आंसर क्या आएगा टू तो ये इंटीजर है ना चल सकता है माइनस थ्री अपॉन फोर ये नहीं चलेगा ठीक है ना माइनस का हंड्रेड अपॉन फोर ये चल जाएगा क्योंकि इसका आंसर आपका क्या आएगा माइनस का ट्वेंटी फाइव ठीक है ना ये चल जाएगा आपका इंटीजर में तो ध्यान रखिएगा सिंपल क्वांटाइजेशन का मीनिंग ये होता है कि अगर किसी भी बॉडी के टोटल चार्ज को ई e की वैल्यू से डिवाइड करा जाए तो फाइनल आंसर एक इंटीजर आना चाहिए अब एज पर डेफिनेशन अगर आप इसे बोलोगे तो क्या होगा कि किसी भी बॉडी के ऊपर अगर हमको टोटल चार्ज निकालना है ना तो ई e की वैल्यू जो होती है उसको इंटीजर से मल्टीप्लाई कर दो वो बन जाता है क्वांटाइजेशन यानी कि चार्ज ऑन अ बॉडी इज एन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ चार्ज ऑन द इलेक्ट्रॉन ठीक है ना नंबर वन दूसरे पार्ट में हमसे बोलता है कि जब आप माइक्रोस्कोपिक बॉडीज़ की बात करते हो ना तो क्वांटाइजेशन को इग्नोर कर दिया जाता है वजह क्या है इसकी सुनिए माइक्रोस्कोपिक का मतलब होता है लार्ज स्केल बॉडीज़ लार्ज स्केल का मतलब बहुत बड़े साइज़ की बॉडीज़ बहुत बड़े साइज़ की बॉडीज़ और थोड़ा सा भी बड़ा ले लोगे ना इलेक्ट्रॉन तो बहुत छोटा सा वैल्यू होता है छोटा सा पार्टिकल होता है अगर इलेक्ट्रॉन से थोड़ा सा बड़ा भी वैल्यू ले लोगे एक आपने ये पेन ही ले लिया कंसिडर करिए तो ये भी एक लार्ज स्केल वैल्यू लार्ज स्केल बॉडी में आ जाता है लेकिन जनरली लार्ज स्केल बॉडीज़ कहाँ किसे जाता है जो ग्रेविटेशन से संबंधित होती हैं जैसे कि अर्थ हो गया फ़िलहाल के तौर पे आप इसको भी एक लार्ज स्केल बॉडी मानोगे ध्यान रखिएगा तो लार्ज स्केल बॉडी की कोई स्पेसिफिक डेफिनेशन नहीं होती है लार्ज स्केल बॉडीज़ का मतलब ये होता है कि जो हमारा बेसिक कंसेप्ट है उसमें जो हमने बॉडी कंसिडर करी उसके मुकाबले में जो हम अभी बॉडी कंसिडर कर रहे हैं वो कितना बड़ा है अब एक इलेक्ट्रॉन छोटा सा है उसके सामने तो ये पेन भी बहुत बड़ा है ना तो ये पेन भी लार्ज स्केल बॉडी ठीक है ठीके? तो क्वेश्चन कहता है कि लार्ज स्केल बॉडीज में हम क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज को कंसिडर क्यों नहीं करते देखिए इसको समझने के लिए एक छोटा सा केस लो वन माइक्रोकूलम चार्ज बहुत छोटा सा चार्ज है ना अब मैं एक काम करने वाला हूँ वन माइक्रोकूलम चार्ज को ना मैं इलेक्ट्रॉन के चार्ज से डिवाइड करता हूँ तो वन माइक्रोकूलम डिवाइडेड बाय 1.6 पॉइंट सिक्स एन टेंट दाइनस नाइनटीन अब देखते हैं कि वैल्यू क्या आती है देखिए वन इंटू टेंट द्वार माइनस सिक्स ये तो हो गया वन कूलम। अब वन पॉइंट सिक्स इंटू टेंट माइनस नाइनटीन ये हो गया ये कैंसिल हुआ तो फाइनल बचा टेंट द्वर माइनस थर्टीन नीचे और वन को अगर हम वन पॉइंट सिक्स से डिवाइड करते हैं तो इसका बेहतर तरीका तो यह है कि टेन ऊपर लिख लिया जाए नीचे हो जाए वन पॉइंट सिक्स सॉरी हाँ ठीक है इंटू टेंट ऊपर जाके हो जाएगा ट्वेल्व समझ पा रहे हो क्यों बाई थर्टीन माइनस थर्टीन ऊपर जाएगा तो प्लस थर्टीन हो जाएगा उसमें से एक जीरो मैंने यहाँ लगा दिया वन के साथ तो टेंथ बार ट्वेल्व रह गया तो लगभग इसको अगर हम कैंसिल भी कर देते हैं तो फाइनल आंसर क्या बचा टेंथ दार ट्वेल्व तो इसका मतलब वन कूलम चार्ज ध्यान से सुनिएगा वन कूलम चार्ज इज ऑलमोस्ट इक्वल टू टेंथ दावर ट्वेल्व टाइम्स द चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन वन पॉइंट सिक्स इंटू टेंट दाइनस नाइनटीन मैं फिर बोल रहा हूँ यहाँ पे एक बेसिक पॉइंट पे ध्यान रखना मैंने यहाँ पे जो चार्ज ऑन द इलेक्ट्रॉन बोला है उसमें सिर्फ उसका मैग्नेट्यूड लिया है अगर कभी बोर्ड में क्वेश्चन आ जाए ना कि व्हाट इज द एलिमेंट्री वैल्यू ऑफ चार्ज तो उसका आंसर लिख के आना माइनस वन पॉइंट सिक्स इंटू टें बार माइनस नाइनटीन चार्ज ऑन द इलेक्ट्रॉन इज कंसिडर्ड टू बी द एलिमेंट्री वैल्यू दुनिया में जो सबसे छोटा पॉसिबल चार्ज अभी तक जो माना जाता है ना जो आपने एज पर एन लिख के आना है वो है चार्ज ऑन द इलेक्ट्रॉन दुनिया में सबसे सबसे छोटा पॉसिबल चार्ज लेकिन जब हम न्यूमेरिकल कैलकुलेशन कर रहे होते हैं ना तो कई जगह पे 1.6 के आगे वाला नेगेटिव साइन हम हटा सकते हैं तो फिलहाल बताने की एक कोशिश हमारी ये है कि वन कूलम चार्ज कितना बड़ा है एक चार्ज ऑन द इलेक्ट्रॉन से टेंट द पावर ट्वेल्व टाइम्स दस टेंट द पावर बारह गुना बहुत बड़ी वैल्यू होती है अब जब एक माइक्रोकूलम ही इतना बड़ा है तो बाकी चार्जेस की तो बात ही छोड़ दो तो लार्ज स्केल बॉडीज में ना क्वांटाइजेशन का कंसेप्ट इसीलिए हम दरकिनार कर देते हैं इग्नोर कर देते हैं होपफुली ये पॉइंट आपको क्लियर हो गया होगा क्वेश्चन कहता है वेन अ ग्लास रॉड इज रब्ड विद सिल्क क्लॉथ चार्ज इज ऑन बोथ अ सिमिलर फिनोमिना इज ऑब्जर्व्ड विद मैनी अदर पेयर्स ऑफ बॉडीज एक्सप्लेन हाउ दिस ऑब्जर्वेशन इज कंसिस्टेंट ध्यान दीजिएगा वर्ड लिखा कंसिस्टेंट विद द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी कंजर्वेशन ऑफ चार्ज भाई लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज कहता क्या है पहले तो आप ये ध्यान रखो टोटल चार्ज ऑन द बॉडी रिमेन्स कंजर्व टोटल चार्ज इज ऑलवेज कंजर्व ध्यान रखिएगा यानी कि चार्ज कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड ठीक है ना इट कैन ओनली बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन बॉडी टू द अदर मैं एक बात आपको और बता दूं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी में एक वर्ड यूज होता है ट्रांसफॉर्म एनर्जी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी में एनर्जी कैन बी ट्रांसफॉर्म्ड फ्रॉम वन फॉर्म टू दी अदर यानी कि एक रूप से दूसरे रूप में बदला जा सकता है लेकिन अगर हम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज की बात करेंगे ना इट कैन ओनली बी चार्ज कैन ओनली बी ट्रांसफर्ड यहाँ पर हम वर्ड यूज करते हैं ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन बॉडी टू दी अदर चार्ज कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड इट कैन ओनली बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन बॉडी टू द अदर अब क्वेश्चन में कहता है कि एक ग्लास रॉड आपने ले ली और एक सिल्क क्लॉथ ले लिया ठीक है ना सिल्क का कपड़ा आपने ले लिया उसको ग्लास रॉड के साथ रब किया तो जनरली क्या होता है अगर हम छोटी सी बात याद करें ये या आपने पहले भी नाइन टेंथ में भी एग्जाम्पल पढ़े होंगे ग्लास और सिल्क को जब आप रब करते हैं ना तो ग्लास के ऊपर आ जाता है पॉजिटिव चार्ज और सिल्क के ऊपर आ जाता है नेगेटिव चार्ज यानी कि कुछ इलेक्ट्रॉन्स ये समझने की बात है कुछ इलेक्ट्रॉन्स ग्लास से कहां शिफ्ट हो जाते हैं सिल्क के अंदर ये ध्यान रखिएगा इलेक्ट्रॉन्स मान लीजिए ग्लास के अंदर से दस इलेक्ट्रॉन सिल्क के अंदर चले गए तो अगर ग्लास के ऊपर पॉजिटिव टेन का चार्ज आ जाएगा तो सिल्क के ऊपर कितना चार्ज आ जाएगा माइनस का टेन यहां आ गया माइनस टेन यहां आ गया प्लस टेन अब मैं आपको एक और बात बताता हूं सबसे पहले तो ये बात हमने रखी कि चार्ज लॉस या क्रिएट नहीं होता है उसका ठीक है ना ना तो क्रिएट कर सकते हैं ना तो डिस्ट्रॉय कर सकते हैं उसको ट्रांसफर ही ट्रांसफर ही कर सकते हो एक बॉडी से दूसरी बॉडी तक तो ग्लास के ऊपर मान लीजिए पहले कोई चार्ज नहीं था न्यूट्रल चार्ज था चार्ज की वैल्यू जीरो क्यू वन यहां पर जो सिल्क के ऊपर है वो भी टोटल चार्ज हमने जीरो ले लिया तो दोनों को प्लस करोगे तो फाइनल आंसर क्या आएगा जीरो बिफोर रबिंग अब आफ्टर रबिंग क्या हुआ कि ग्लास में से दस इलेक्ट्रॉन निकले मैंने एक राउंड फिगर ले लिया दस इलेक्ट्रॉन और मैं उसको टेन एक वैल्यू असाइन कर देता हूं तो प्लस का टेन आ गया ग्लास के ऊपर माइनस का टेन आ गया सिल्क के ऊपर अब आप दोनों को प्लस करोगे तो क्या आएगा प्लस टेन माइनस टेन फाइनल आंसर क्या आएगा जीरो तो रब करने से पहले भी टोटल चार्ज जीरो था रब करने के बाद भी टोटल चार्ज जीरो है। इसका मतलब चार्ज डिस्ट्रॉय तो नहीं हुआ ना ना ही चार्ज आपने क्रिएट करा ओवरऑल चार्ज कैसा रहा आपका कंजर्व यानी कि टोटल सिस्टम वैसा ही रहा इसी को बोलते हैं कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज के साथ ये कंसेप्ट कंसिस्टेंट है यानी कि खरा उतरता है समझ आ गया पॉइंट ग्लास रॉड और सिल्क का एग्जाम्पल ध्यान रखिएगा एन का क्वेश्चन है तो ये एम में भी पूछा जा सकता है और उसको एक्सप्लेन करने के अलग अलग तरीके हो सकते हैं आप रिटर्न लैंग्वेज में इसका आंसर वैसे देंगे स्टेटमेंट फॉर्म में लेकिन उसके साथ कुछ न्यूमेरिकल वैल्यूज़ यूज़ कर सकते हो अपने बात को समझाने के लिए होपफुली क्वेश्चन समझ में आ गया होगा एन एक्सरसाइज क्वेश्चन वन देखिए क्वेश्चन क्या कहता है हमारे पास एक स्क्वायर है क्वेश्चन के हिसाब से एक स्क्वायर हमको दे रखा है जिसकी साइड कितनी है टेन सेंटीमीटर पहली बात एक ध्यान रखिएगा जनरली ना सेंटीमीटर में अगर वैल्यूज दे रखी होती है तो हमको कन्वर्ट करना पड़ता है उसको मीटर्स में ध्यान रखिए अब इस क्वेश्चन में जरूरत पड़ती है या नहीं वो बात की बात है लेकिन बेसिकली आपको ध्यान रखना है कि अगर 10 सेंटीमीटर वैल्यू दे रखा है डिस्टेंस का तो यू हैव टू डिवाइडेड बाय हंड्रेड यानी कि हो जाएगा टेन इंटू टेंट द्वारा माइनस टू मीटर्स कभी भी न्यूमेरिकल कैलकुलेशन हो तो इस तरीके से करना हाँ अगर सी सिस्टम का क्वेश्चन है तो ज़रूर आप सेंटीमीटर में छोड़ सकते हैं वरना जनरली मीटर्स में करना पड़ता है कहता है एक पॉइंट है ए एक है हमारा बी पॉइंट फिर है हमारा सी पॉइंट फिर है हमारा डी पॉइंट अब इसको असाइन कर लेते हैं ये दिस इज ए दिस इज़ बी दिस इज सी एंड दिस इज डी अब ए पॉइंट पे जो चार्ज हमारे को दे रखा है वो टू कूलम है बी पॉइंट पे चार्ज है माइनस फाइव कूलम सी पॉइंट पे चार्ज है फिर से टू कूलम और डी पॉइंट पे फिर से चार्ज है माइनस फाइव कूलम अब यहाँ पर स्क्वायर का जो सेंटर पॉइंट है जिसको मीटिंग पॉइंट ऑफ द डायगोनल्स आप बोल सकते हो वहां पे एक चार्ज रखा हुआ है उसकी वैल्यू है वन कूलम क्वेश्चन हमसे ये कहता है कि इस चार्ज के ऊपर टोटल फोर्स कितनी होगी बहुत अच्छा क्वेश्चन है कैलकुलेशन बहुत लंबा हो सकता है लेकिन यहाँ पर इस क्वेश्चन में आपको कंसेप्ट अगर समझ में आ गया तो कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी ध्यान रखिए कि ये डायगोनल को आप इस तरीके से ज्वाइन करेंगे दूसरे डायगोनल को आप इस तरीके से ज्वाइन करेंगे और ये वाला जो चार्ज है आपका सेंटर पॉइंट पे लाई करेगा ठीक है ना नंबर वन दूसरी बात हमको एक और ध्यान रखनी है वो ये है कि हर एक चार्ज के लिए जो डिस्टेंस होगा वो सेम होगा यहां पे डिस्टेंस हो गया आर मीन्स ये टू माइक्रोकुलम का जो चार्ज है वन माइक्रोकुलम से इसकी दूरी कितनी है आर यानी कि ये वाला जो सेकेंड केस है यहां पर भी आर थर्ड वाला जो केस है ये भी आर फोर्थ वाला केस है वो भी आर पहली बात समझ में आ गई आपको तो अगर हम कैलकुलेशन की बात करें कैलकुलेशन कर नहीं रहे लेकिन समझना एक हो गया F1 एक हो गया F2 एक हो गया F3 और एक हो गया F4 चारों केस के लिए चार्जेस की वैल्यू तो अलग अलग हो सकती है लेकिन डिस्टेंस सब में सेम आएगा और फोर्स का जनरल रिलेशन क्या होता है कि Q1, Q2 क्यू डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर तो R की वैल्यू सब में सेम आएगी नंबर वन दूसरी बात अब आप ध्यान से देखिए जरा इसको समझना ये जो एफ वन वाला केस है जिसमें टू कूलम का चार्ज रखा है और ये जो एफ थ्री वाला केस है यानी कि पॉइंट नंबर सी टू कूलम का चार्ज यहाँ पर भी है तो अगर हम एक जनरलाइज्ड वे में बात करें तो ये वाला जो टू कूलम का चार्ज है ये वन कूलम के चार्ज को रिपेल करेगा ठीक है ना पॉजिटिव पॉजिटिव ये जो टू कूलम का चार्ज है ये भी इसको रिपेल करेगा तो दोनों के फोर्सेज एक दूसरे के अपोजिट हो गए ऊपर से नीचे ये समझना चाहिए कि ये वाला जो केस है ये यहां फोर्स लगाएगा ये वाला केस यहां फोर्स लगाएगा दोनों फोर्स एक दूसरे के अपोजिट हैं मैं इसको बोल्ड कर रहा हूं थोड़ा समझिएगा इस बात को यहां पर दोनों फोर्सिस एक दूसरे के अपोजिट हैं और दोनों की वैल्यू भी बराबर होगी क्यों क्योंकि पहले केस में टू माइक्रोकुलम और वन माइक्रोकुलम का पेयर थर्ड केस में टू माइक्रोकुलम और वन माइक्रोकुलम का पेयर यानी कि चार्जेस सेम हो गया डिस्टेंस तो है ही सेम और डायरेक्शन हो गया अपोजिट तो बताइए एक दूसरे की फोर्स कैंसिल कर देगी एक दूसरे को है ना अपोजिट फोर्सेस कैंसिल आउट हो जाएंगी तो यहां पर ये F3 और F1 एक दूसरे को कैंसिल कर गया जीरो इफेक्ट हो गया जीरो सिमिलर केस में यहां पर आप देखिए नेगेटिव चार्ज है नेगेटिव चार्ज वन कूलम को क्या करेगा अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा सिमिलरली ये वाला जो नेगेटिव चार्ज है ये भी अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा अब क्योंकि ये वाला पेयर आप देखिए फाइव माइनस और वन वैल्यू उस ध्यान दीजिएगा यहां से माइनस फाइव और वन वैल्यूज यहां पर भी सेम हो गई अब जब वैल्यू सेम हो गई तो अल्टीमेटली क्या हुआ इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस क्रिएट हो गई तो इन दोनों का कंबाइंड इफेक्ट भी क्या आ गया जीरो तो नेट फोर्स हम क्या कैलकुलेट करेंगे जीरो अब कैलकुलेशन अगर आप करना चाहते हो तो जरूर करके देखो लेकिन फिलहाल जरूरत नहीं है इसमें किसी और क्वेश्चन में जहाँ जहाँ हमको कैलकुलेशन की जरूरत पड़ेगी आप सीख जाओगे मैं अभी सारे एनसीआर के क्वेश्चन फॉलो कर रहा हूँ इस सीरीज uh, में प्ले आपको दिखाई दे जाएगा उस प्ले में सब कुछ मैंशन है प्योर एनसीआर के क्वेश्चन को हमने फॉलो किया है लेकिन यहाँ पे कुछ ना क्वेश्चंस में आप कंसेप्ट को भी समझने की कोशिश करो साथ के साथ कंसेप्ट समझ में आ जाए और कैलकुलेशन जहां जरूरत पड़ेगी हम सीख ही लेंगे ठीक है ना होपफुली क्वेश्चन का पूरा कंसेप्ट आपको क्लियर होगा और ऐसे क्वेश्चन बहुत सारे वन मार्क क्वेश्चन वन मार्क फॉर्म में आ सकते हैं शॉर्ट आंसर में आ सकते हैं और अगर शॉर्ट आंसर क्वेश्चन में भी दो पार्ट आ गए तो ध्यान रखिएगा वन वन मार्क्स के होंगे वो ईच एम um, में आ सकता है फिलअप्स में आ सकता है इस टाइप का क्वेश्चन ठीक है एनसीआर एक्सरसाइज क्वेश्चन वन ठीक है जी क्वेश्चन में दो पार्ट हमको गिवन है फर्स्ट पार्ट में हमसे कहता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड लाइंस इज अ कंटिन्यूस कर्व इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड लाइन एक कंटिन्यूस कर्व है इसको आप इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन भी बोल सकते हो इसको आप इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स भी बोल सकते हो इसको फील्ड लाइन भी बोल सकते हो वो कहता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन एक कंटिन्यूस कर्व होता है दैट इज़ अ फील्ड लाइन कैन नॉट हैव सडन ब्रेक्स भाई इसके बारे में हमको डिस्कशन करना है देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड स्टार्ट कहाँ से होता है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की अगर हम शुरुआत करें तो इट इट्सटार्ट फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज एंड इट टर्मिनेट्स एट नेगेटिव चार्ज मीन्स पॉजिटिव चार्ज से चलेगा और नेगेटिव की तरफ जाएगा इस तरीके से हम बना सकते हैं डायग्राम डायग्रामेटिकल रिप्रेजेंटेशन बहुत सिंपल होता है इसका कि पॉजिटिव से जब चार इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन को निकालोगे तो एरो बाहर की तरफ होना चाहिए और नेगेटिव की तरफ अगर आएगी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन तो एरो जो है वो टुवर्ड्स द चार्ज होना चाहिए अब यहाँ पे आप सब कुछ समझने की कोशिश करिए भाई इलेक्ट्रिक फील्ड का अगर जनरल कंसेप्ट भी देखा जाए तो वो भी तो ऐसा ही होता है भाई मान लीजिए हमने यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड बनाई इसमें हम हमने पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज दिखाया नहीं है लेकिन हमको मालूम है कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन आ रही है तो ये वाला रीजन कैसा होना चाहिए पॉजिटिव ये वाला रीजन कैसा होना चाहिए नेगेटिव है ना सिंपल है अगर हम दो प्लेट्स भी ले लेते हैं एक प्लेट हो गया पॉजिटिव एक प्लेट हो गया नेगेटिव तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन कहाँ से कहाँ होगा पॉजिटिव टू नेगेटिव और इलेक्ट्रिक फील्ड एक अपने आप में दायरा होता है और कोई भी जो फील्ड होती है ना वो हमेशा कंटिन्यूस होती है उसमें ब्रेक्स नहीं होते पहली बात ब्रेक का मतलब यहाँ पर क्या है जैसे कि मान लीजिए एक बल्ब है हम एक बल्ब ले लेते हैं और बल्ब को ऑन करते हैं तो उसकी लाइट जो है वो चारों दिशाओं में जाएगी इस तरीके से है ना ऐसा तो नहीं होगा कि भाई बल्ब की लाइट इधर जाएगी इधर जाएगी लेकिन इधर नहीं जाएगी और फिर इधर जाएगी ऐसा तो कभी भी नहीं होगा ना यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन होता है इसी तरीके से जो चार्ज के आसपास जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो भी यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होती है और कोई भी चीज़ अगर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होती है तो उसको बोलते हैं कंटिन्यूस और अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन हम ड्रॉ कर रहे हैं उस इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट करने के लिए तो हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन भी कंटिन्यूस होनी चाहिए ये ध्यान रखिएगा दूसरी बात अगर हमको कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के ऊपर एक पर्टिकुलर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन दिखाना है तो हम क्या ड्रॉ करेंगे टेंजेंट भाई ये हो गया B पॉइंट पे डायरेक्शन ये हो गया A पॉइंट पे डायरेक्शन और ये हो गया C पॉइंट पे डायरेक्शन अब हम देख रहे हैं कि डायरेक्शन बार बार बदल रहा है इसका मतलब यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड तो नहीं है ना नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड हमारी हो गई यहाँ पर अगर हमने पैरल लाइन ड्रॉ करी तो इसका मतलब ये है कि हर पॉइंट पर डायरेक्शन सेम है तो ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है ये जस्ट फॉर नॉलेज मैं आपके आपको बता रहा हूँ अब दूसरा पॉइंट जो हमारा डिस्कशन करने का वो ये है कि भाई जब आप टेंजेंट ड्रॉ करते हैं तो टेंजेंट भी कंटिन्यूस फॉर्म दिखाता है कैसे इसको ज़रा समझिएगा हमने एक लाइन इस तरीके से ड्रॉ करी और एक टेंजेंट मैंने ऐसे बनाया यहाँ पर दूसरा मैंने ऐसे बनाया तीसरा मैंने ऐसे बनाया चौथा मैंने ऐसे बनाया, बनाया पाँचवा ऐसे बनाया इस तरीके से ये आगे कंटिन्यूस होता चला जाएगा कहने का मतलब ये है कि आप देख रहे हो कि बीच में कोई डिस्टर्बेंस या ब्रेक तो नहीं आ रहा ना बस यही वजह है कि हम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन को कंटिन्यूस बोलते हैं अब चाहे एक्सप्लेनेशन कैसे मर्जी दे दो आप अपनी लैंग्वेज में भी दे सकते हो ज़रूरी नहीं है मेरा ही एक्सप्लेनेशन इस्तेमाल करो लेकिन बेसिक जो कोर एक्सप्लेनेशन है ना वो यही है कि कंटिन्यूस चीज़ को अगर कोई चीज़ कोई दूसरी लाइन रिप्रेजेंट करेगी तो वो भी तो ही होगी और कोई चीज़ अगर कंटिन्यूअस है तो उसमें ब्रेक्स नहीं हो सकते ऐसा कभी भी नहीं आएगा कि आपने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऐसे बनाई फिर बीच में ब्रेक हो गया और फिर आप यहां से दोबारा शुरू हो गए ऐसा नहीं होता है ठीक है ना इस तरीके से ड्रॉ नहीं होता है तो ये थ्योरिटिकल क्वेश्चन है बेसिकली न्यूमेरिकल फॉर्मेट तो इसमें नहीं लगेगा लेकिन आप एक्सप्लेनेशन अपने लैंग्वेज में दे सकते हैं अगर आपको कंसेप्ट समझ में आ जाता है दूसरा पार्ट इसमें कहता है कि दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कभी एक दूसरे को क्रॉस नहीं करती बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बोर्ड में कई बार आया है ये क्वेश्चन देखिए अब इसके लिए एक छोटा सा इलस्ट्रेशन लीजिए मान लेते हैं कि दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन एक दूसरे को क्रॉस कर गई मान लिया हमने कि दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन एक दूसरे को क्रॉस कर गई तो इसका मतलब एक कॉमन पॉइंट आ गया अब इस पर यहाँ पर टेंजेंट आप बनाओ तो एक टेंजेंट बनेगा यहाँ पर लेट से टी ए दूसरा टेंजेंट बना यहाँ पर लेट से टी बी अब एक ही पॉइंट पे दो डायरेक्शन हो गई दो टेंजेंट का मतलब दो डायरेक्शन अब आप जब साइकिल चलाते हैं या स्कूटर चलाते हैं या कार चलाते हैं तो क्या आप एक समय पे दो दिशाओं में गाड़ी चला सकते हैं कभी नहीं चला सकते एक दिशा एक बार में तो एक ही दिशा में आगे बढ़ेंगे ना एक बार में आप दो दिशाएं फॉलो नहीं कर सकते यू कैन नॉट फॉलो टू डायरेक्शन्स एट वन पॉइंट सिमिलर वे में इस एक पर्टिकुलर पॉइंट पर भी दो दो टेंजेंट बनना संभव नहीं है क्योंकि एक पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड का एक ही डायरेक्शन हो सकता है दूसरी एक और लॉजिक समझ लो इलेक्ट्रिक फील्ड एक वैक्टर क्वांटिटी है और वैक्टर क्वांटिटी का लॉ कहता है कि एक डायरेक्शन सिर्फ उसका होना चाहिए सिंगल सिंगल का मतलब यहाँ पर ये नहीं कह लेना है कि भाई आगे जा रही है तो आगे ही जाती जाएगी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे एक डायरेक्शन होना चाहिए ऐसे घूम भी सकता है इस पर्टिकुलर पॉइंट पे ये डायरेक्शन इस पर्टिकुलर पॉइंट पे यहाँ पे ये यह चेंज हो गया डायरेक्शन डायरेक्शन पॉइंट वाइज बदल सकता है लेकिन एक ही होना चाहिए एक पर्टिकुलर पॉइंट पर यह वैक्टर लॉ भी कहता है सिमिलर वे में हमने ये मान के चलना है कि अगर दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्रॉस कर गई तो दो टेंजेंट बनेंगी दो टेंजेंट मीन्स दो डायरेक्शन एट वन पॉइंट और एक ही पॉइंट में दो डायरेक्शन संभव नहीं है इसीलिए दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कभी एक दूसरे को क्रॉस नहीं करेगी अब इसको एक्सप्लेनेशन आप थ्योरी फॉर्म में लिख सकते हैं समझ आ गया देखिए क्वेश्चन वन पॉइंट एट में हमसे क्या बोला गया है दो चार्जेज हैं हमारे पास दो चार्जेज में एक चार्ज है पॉजिटिव थ्री माइक्रोकुलम दूसरा चार्ज है माइनस थ्री माइक्रोकुलम दोनों के बीच में डिस्टेंस कितना दे रखा है ट्वेंटी सेंटीमीटर क्वेश्चन की स्टेटमेंट का मीनिंग है नाओ अब एक चार्ज है क्यू ए दूसरा चार्ज है हमारा क्यू बी ना दिस वैल्यू इज थ्री माइक्रोकूलम दिस अनदर वैल्यू इज माइनस थ्री माइक्रोकूलम अपोजिट चार्जेज हो गए और इक्वल मैग्नीट्यूड है इसका मतलब दोनों को दोनों के पेयर को आप क्या बोलोगे डाइपोल पेयर ऑफ इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस सेपरेटेड बाय सम डिस्टेंस दोनों के बीच में डिस्टेंस कितना दे रखा है ट्वेंटी सेंटीमीटर ठीक है जी नंबर वन ये डाइपोल का केस हो गया अब वो बोलता है इलेक्ट्रिक फील्ड निकाली एट मिड पॉइंट ओ यहाँ पर हमने एक पॉइंट कंसिडर कर लिया जिसको हमने ओ नाम दे दिया और दोनों का ओ जो है वो मिड पॉइंट है दोनों चार्जेस के लिए यानी कि दिस पॉइंट इज ए दिस पॉइंट इज बी तो ए बी का जो मिड पॉइंट हो गया वो हो गया ओ अब जाहिर है अब ओ पॉइंट से लेकर के ए पॉइंट की डिस्टेंस को हमने आर कंसिडर किया तो आर की वैल्यू कितनी हो जाएगी टेन सेंटीमीटर ठीक है ना टेन सेंटीमीटर को अगर मैं मीटर में कन्वर्ट करूंगा तो टेन डिबार माइनस टू मीटर आर की वैल्यू हो गई अब हमसे बोला जाता है कि इस ओ पॉइंट पर ना इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू बताओ सबसे पहले तो बात याद रखो इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब ये होता है एक दायरा एक पर्टिकुलर चार्ज के अराउंड एक रीजन अब उस रीजन में किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट पे अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू निकालते हैं तो दैट वैल्यू इज नोन एज इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी तो क्वेश्चन में अगर हमको इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करने को बोला है इसका मतलब यह है कि वी हैव टू कैलकुलेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पर्टिकुलर पॉइंट ओ इलेक्ट्रिक फील्ड बोलो या इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बोलो न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से दोनों एक ही चीज़ मान ली जाती हैं बट एक्चुअल में दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस है अब इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉमूला क्या होता है वन बाई फोर बाई एफ सैन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर अब यहाँ पे एक और बात समझने की है यहाँ पर आप अच्छे तरीके से देख सकते हैं कि ए पॉइंट जो है वो पॉजिटिव चार्ज है ए पॉइंट पर पॉजिटिव चार्ज रखा है तो उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड अब ही जाएगी ई e ए मैंने उसको नाम दे दिया अब ये जो नेगेटिव चार्ज है इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड टूवर्ड्स आएगी तो टूवर्ड्स आने का मतलब ये हो गया ई बी का डायरेक्शन भी वैसा ही तो हुआ जो ए का डायरेक्शन है तो जब दोनों का डायरेक्शन सेम है तो फाइनल नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा ई ए प्लस ई बी हमें ये करना पड़ेगा इतनी बात समझ में आई अगर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में आ जाएगा ना तो एक ऑप्शन ज़रूर वो जीरो देने वाले हैं तो कई बार ना जल्दी जल्दी में हो सकता है आप भी ये गलती कर सक कर जाओ कि भाई एक पॉजिटिव चार्ज है एक नेगेटिव चार्ज है इसका मतलब नेट आंसर जीरो ऐसा नहीं है यहाँ पर ये बात ध्यान रखनी है डायरेक्शन का रोल है बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड के न्यूमेरिकल में या कूलम फोर्स के न्यूमेरिकल में जो नेगेटिव चार्ज होता है ना उसका यूज़ करके डायरेक्शन फाइंड आउट करी जाती है न्यूमेरिकल कैलकुलेशन में मैं माइनस साइन का बहुत ज़्यादा यूज नहीं करूँगा लेकिन माइनस साइन का यूज करके मैंने डायरेक्शन निकाल लिया अब डायरेक्शन से मुझे पता चल गया कि ई e ए और ई e बी दोनों का डायरेक्शन सेम है तो मुझे प्लस करना है तो फाइनल आंसर ये हमारा होने वाला है अब यहाँ पर एक और बात है ई e ए का वैल्यू जो है ना वो भी ई e बी के बराबर ही होने वाला है क्यों क्योंकि आप देखिए चार्जेस की वैल्यू क्या है पहला चार्ज है उसकी वैल्यू थ्री माइक्रो दूसरा चार्ज है उसकी वैल्यू थ्री माइक्रो माइनस साइन नहीं लेना माइनस आइन का यूज करके हम डायरेक्शन ऑलरेडी निकाल चुके हैं तो मैग्नीट्यूड को कंसिडर करो दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है ना जब मैग्नीट्यूड सेम है और दूसरी बात डिस्टेंस भी सेम है देखो यहाँ से भी 10 सेंटीमीटर ए पॉइंट से और बी पॉइंट से भी डिस्टेंस 10 सेंटीमीटर तो जब डिस्टेंस भी सेम है चार्ज भी सेम है तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू भी सेम आने वाली है इसका मतलब ई ए और ई बी की वैल्यू सेम हो जाएगी और जब सेम हो जाएगी तो फाइनली यू कैन राइट फाइनली यू कैन राइट नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू टू टाइम्स ऑफ ई ए क्योंकि ई बी को मैं भी ई ए दोबारा से लिख दूंगा तो फाइनली हो जाएगा टू टाइम्स नाव अब मुझे एक्चुअली कैलकुलेट करना है सिर्फ ई ए वो कैसे करेंगे वो देखिए ध्यान से फाइनली टू इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला वन बाय फोर फाई एफ्स एल एन नॉट क्यू अपॉन हमारे स्क्वायर ठीक है ना नाव टू इंटू वन बाय फोर फाइव एफ सेलन नाट की वैल्यू नाइन इंटू टेंट दार नाइन चार्ज की वैल्यू कितनी रखी है थ्री माइक्रो माइक्रो का मतलब टेंट दाइनस सिक्स डिवाइडेड बाई डिस्टेंस कितना था टेन इंटू टेंट दाइनस टू इसका होल स्क्वायर ठीक है जी अब सिंपल कैलकुलेशन है अब बहुत ज़्यादा परेशानी हमें नहीं होने वाली है क्या होगा कैलकुलेशन हमारा अब यहाँ पे देखिए टेंथ बार नाइन और टेंथ दार माइनस सिक्स कितना हो गया टेंट दार माइनस थ्री सॉरी थ्री टेंट दार थ्री नाउ टू इंटू नाइन एटीन एटीन इंटू थ्री हो गया हमारा फिफ्टी फोर डिवाइडेड बाई टेन इंटू टें माइनस टू कितना होगा टेंट दाइनस वन इसका हमने होल स्क्वायर कर दिया अब ये बन गया 54 फोर इंटू टेंट द्री इं टू टेंट दार नीचे क्या हो जाएगा माइनस टू माइनस टू पर जाके हो जाएगा प्लस टू यानी कि 54 फ़ोर इंटू टेंट दाइव न्यूटन पर कूलम अब ये आंसर चल सकता है लेकिन हमारी कोशिश होनी चाहिए आंसर को स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने की तो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है फर्स्ट डिजिट के बाद डेसिमल तो 54 को मैं 10 से डिवाइड करने वाला हूँ अब जब 10 से मैं डिवाइड करूँगा तो मुझे 10 से मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा टेन तो ये आंसर आंसर क्या बन गया into 10 6 गया 5.4 न्यूटन पर कूलम दिस इज फर्स्ट पार्ट हो हमारे इस क्वेश्चन का ठीक है ना सेकेंड पार्ट में हमसे क्या बोला गया था अब उसको भी जरा समझिए आप सेकेंड पार्ट यानी कि बी पार्ट हम कंसिडर कर रहे हैं इस क्वेश्चन का बी पार्ट में हमको बोला गया था कि अगर वन कूलम का चार्ज है वो उस मिड पॉइंट ओ पे रखा हुआ है इसको क्वेश्चन को आप यहां पे देखो ओके वन पॉइंट फाइव इंटू टेंट माइनस नाइन कूलम का चार्ज है सॉरी वन पॉइंट फाइव इंटू टेंट माइनस नाइन कूलम का चार्ज है इस ओ पॉइंट पे रखा तो नेट इलेक्ट्रिक फोर्स क्या होगा अब यहाँ पे आप देखिए वन पॉइंट फाइव कूलम समझ लो इसको ठीक है अब यहाँ पे ज़रा इसको समझना प्लीज देखिए अब हमको चाहिए फोर्स फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, है ना यहाँ पे ज़्यादातर बच्चे यही ही चीज याद करते हैं क्यू वन क्यू टू ओवर आर स्क्वायर आप भी हो सकता है यही याद कर रहे हो लेकिन जब इलेक्ट्रिक फील्ड गिवन होता है ना तो फोर्स का फॉर्मूला बन जाता है वन सॉरी इसको लिख लेते हैं Q इन टू ई ये हो जाता है अब इलेक्ट्रिक फील्ड हमने निकाल लिया कितना आया था 5.4 पॉइंट फोर इंटू टेन दार सिक्स इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू तो ये आ गई चार्ज की वैल्यू हमको कितने गिवन है कूलम ये चार्ज हमको गिवन है इलेक्ट्रिक फील्ड हमको हमने कैलकुलेट करा फाइव पॉइंट फोर इंटू टेंट तो फाइनली अब टेंट दाइनस नाइन और 10 दार सिक्स ये वन के क्या बन जाएगा 10 दार माइनस थ्री फिफ्टीन इंटू वन पॉइंट फाइव इंटू फाइव पॉइंट फोर अब इसको कर लेते हैं मल्टीप्लाई फिफ्टीन इंटू फोर कितना होता है सिक्सटी सिक्स फिफ्टीन इंटू फाइव सेवेंटी फाइव सेवेंटी फाइव और सिक्स हो गया एट्टी वन और दो डिजिट के बाद डेसिमल तो एट पॉइंट वन फाइनली हमारा आंसर आया नेट फोर्स ऑन दिस चार्ज वुड बी एट पॉइंट वन इन टू टेंट दे माइनस थ्री न्यूटन फिटी क्वेश्चन वन पॉइंट नाइन क्वेश्चन हमसे क्या कहता है अ सिस्टम हैज टू चार्जेस एक सिस्टम ऑफ चार्जेस दे रखा है हमको उसमें दो चार्जेस गिवन है सिस्टम का मतलब होता है मोर देन वन चार्जेस ठीक है टू बॉडी सिस्टम भी हो सकता है यानी कि टू चार्जेस सिस्टम भी हो सकता है थ्री चार्जेस सिस्टम भी हो सकता है एंड सो ऑन नाव यहाँ पे हमको दो चार्जेस गिवन है पहला चार्ज है क्यू ए दूसरा चार्ज है क्यू बी और क्यू ए का वैल्यू हमको गिवन है 2.5 पॉइंट फाइव इंटू टेंड दीवार माइनस सेवन कूलम पॉजिटिव चार्ज है क्यू बी का वैल्यू हमको गिवन है माइनस का 2.5 पॉइंट फाइव इंटू टेंड दीवार माइनस सेवन दोनों के बीच में हमने डिस्टेंस कंसिडर कर लिया आर ठीक है ना आर की वैल्यू क्या होगी वो अभी हम क्वेश्चन के डेटा के हिसाब से कैलकुलेट करेंगे ये भी एक ये एक पॉजिटिव चार्ज है ये एक नेगेटिव चार्ज है इसका मतलब यहाँ पर भी डाइपोल हो गया क्योंकि आप देख सकते हो दोनों की वैल्यूज़ बराबर हैं लेकिन नेचर ऑपोजिट है पेयर ऑफ इक्वल एंड ऑपोजिट चार्ज नाउ अब ए का जो चार्ज है ना जो जो क्यू ए है उसकी वैल्यू तो हमको गिवन है लेकिन साथ में उसकी पोजिशन भी गिवन है जीरो कॉमा ज़ीरो माइनस फिफ्टीन सेंटीमीटर और बी की जो पोजिशन गिवन है जीरो कामा जीरो प्लस फिफ्टीन सेंटीमीटर अब ये सेंटीमीटर का मतलब हो गया कि डिस्टेंस हम सेंटीमीटर में कैलकुलेट करेंगे बाद में हमको मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा उसको अब जो पहले के दो कोऑर्डिनेट हमको जीरो दे रखे हैं उसका मीनिंग क्या है कि ये दिस इज एक्स कोऑर्डिनेट दिस इज वाई कोऑर्डिनेट दिस इज जेड कोऑर्डिनेट लास्ट वाला यानी कि ये टोटल जो सिनारियो है वो जेड एक्सिस के अलॉन्ग वर्किंग कर रहा है अब हमको आर की वैल्यू कैलकुलेट करने का एक बड़ा आसान तरीका लगाना चाहिए ध्यान रखिए अंडर रूट लगाएं जेड टू माइनस जेड वन इसका होल स्क्वायर उसमें कंबाइंड अंडर रूट क्योंकि एक्स और वाई है नहीं तो इसलिए मैं डायरेक्ट कैलकुलेटर कैलकुलेशन इसकी कर देता हूँ एक Z2 का वैल्यू हमको दे रखा है फिफ्टीन माइनस अब Z1 की वैल्यू हमको दे रखी है माइनस फिफ्टीन उसके बाद इसका होल स्क्वायर करेंगे बाद में इसका अंडर रूट आ जाएगा तो R का वैल्यू हमारे पास फाइनली बनेगा R वुड बी ये बन गया हमारा अंडर रूट फिफ्टीन माइनस और माइनस हो गया प्लस फिफ्टीन और इसका हो गया होल स्क्वायर यानी कि थर्टी थर्टी का होल स्क्वायर होल स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा तो आर का वैल्यू हमको मिलने वाला है थर्टी सेंटीमीटर नंबर वन ना हो आर की वैल्यू थर्टी सेंटीमीटर तो मिल गई बट हम उसको मीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं क्योंकि नॉर्मली कैलकुलेशन ऐसा ही सिस्टम में चलता है यानी कि एम के सिस्टम बेसिकली तो आर इज इक्वल टू थर्टी इन टू टेंट माइनस टू मीटर्स ना अब हमको आर का वैल्यू कैलकुलेट करने को आ गया ठीक है ना अब उसके बाद वो हमसे कहता है व्हाट आर दी टोटल चार्ज एंड इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट ऑफ द सिस्टम अब यहां पे आप जरा समझिए एक चार्ज कैसा था पॉजिटिव दूसरा चार्ज कैसा है नेगेटिव टोटल करोगे तो क्या आएगा जीरो डाइपोल का अगर आप नेट चार्ज निकालना चाहते हो तो आंसर हमेशा क्या आने वाला है जीरो तो नेट चार्ज इज इक्वल टू क्यू ए प्लस क्यू बी और क्यू ए का वैल्यू ये लिखने का क्योंकि बोर्ड में स्टेप्स स्टेप मार्किंग होता है तो बोर्ड में एक लिखने का पैटर्न होता है उसका ध्यान रखें गलती ना करें हर चीज़ डायरेक्ट कैलकुलेशन करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए ये हो गया पहला चार्ज फिर आ गया प्लस का साइन यहाँ हो गया माइनस टू पॉइंट फाइव इंटू टेन ए माइनस सेवन फाइनली दोनों वैल्यूज कैंसिल हो जाएंगी नेट चार्ज विल बी ज़ीरो ठीक है जी पहला केस तो हमारे पास ये हो गया ना उसके बाद वो बोलता है डाइपोल मोमेंट ऑफ द सिस्टम निकालिए अब आर का वैल्यू आपको मिल गया थर्टी इन टू टेंट बार माइनस टू मीटर और डाइपोल मोमेंट निकालने का क्या फॉर्मूला होता है वो आपको मालूम है और नहीं मालूम है तो इसका ध्यान से सुनिए इसको डाइपोल मोमेंट को डिनोट किससे करते हैं पी से पी इज इक्वल टू क्यू इन टू टू ए अब टू ए का मतलब पता है यहाँ पे क्या है आर ठीक है ना जनरली डाइपोल को रिप्रेजेंट करने के लिए डिस्टेंस टू ए दे दिया जाता है लेकिन ये कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है आप जो मर्जी ले सकते हो ये तो सिंप्लीफाई करने के लिए बना दिए गए हैं कुछ तरीके नाव पी इज इक्वल टू क्यू इंटू टू ए टू ए की जगह हमने डायरेक्ट आर कर दिया कुछ बच्चे जल्दीबाजी में टू को आर से मल्टीप्लाई कर जाएंगे ऐसा मत कर देना टू ए का मतलब ही आ रहा है यहाँ पे तो डाइपोल मोमेंट की वैल्यू चार्ज का वैल्यू हमको दिया था टू पॉइंट फाइव इंटू टेंट द्वर माइनस सेवन यहाँ पे एक मैग्नीट्यूड लेना किसी भी चार्ज का इंटू टोटल डिस्टेंस हो गया थर्टी इंटू टेंट द्वर माइनस टू नाव अब चार्ज की यूनिट क्या होती है कूलम डिस्टेंस की यूनिट क्या होती है मीटर तो ये बन गया हमारे पास कूलम मीटर अब आप मल्टीप्लाई कर लो 10 बार माइनस सेवन टेंथ बार माइनस टू ये बन गया 10 द्वर माइनस नाइन एंड फाइनली थर्टी इंटू टू टू पॉइंट फाइव ये हो गया सेवन पॉइंट सेवेंटी फाइव पॉइंट जीरो ठीक है ना ये हो गया पिछहत्तर सेवेंटी फाइव ट्वेंटी फाइव इंटू थ्री और एक हो गया जीरो यूँ एक कैलकुलेशन का एक तरीका और भी सीख लो ये हो गया डेसिमल लगाया ज़ीरो लगा दिया यहाँ से ज़ीरो कैंसिल हो गया ट्वेंटी इंटू थ्री ट्वेंटी फाइव इंटू थ्री सेवेंटी फाइव तो सेवेंटी फाइव इंटू टेंथ बार माइनस नाइन कूलम मीटर तो डाइपोल मोमेंट का डायरेक्ट आंसर हमारा हो गया सेवनटी फाइव इंटू टेंथ बार माइनस नाइन कुलम मीटर अब ये आंसर ठीक है वैलिड है बट इसको हम स्टैंडर्ड फॉर्म में भी कन्वर्ट कर सकते हैं वो कैसे हो जाएगा स्टैंडर्ड फॉर्म में एक डिजिट के बाद डेसिमल तो स्टैंडर्ड फॉर्म निकालने के लिए आप सेवेंटी फाइव को टेन से डिवाइड करो तो जब टेन से डिवाइड करोगे तो आपको टेन से मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा तो ये बन गया हमारा सेवन पॉइंट फाइव और ये बन गया हमारे पास टेंट दे बार माइनस एट कूलम मीटर एनसीआर क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन क्या कहता है एन इलेक्ट्रिक डाइपोल विद डाइपोल मोमेंट फोर इंटू टेंट बा माइनस नाइन इज अ एट थर्टी डिग्री विद द डायरेक्शन ऑफ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ मैग्नीट्यूड फाइव इंटू टेंट बाइनस टेंट दार फोर सॉरी फाइव इंटू टेंट न्यूटन पर कूलम यहाँ पे हमको थीटा की वैल्यू तो दे रखी है थर्टी डिग्री डाइपोल मोमेंट का वैल्यू हमको दे रखा है फोर इंटू टेंट देंट दार माइनस नाइन कूलम मीटर और उसके बाद हमको इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू गिवन है फाइव इंटू टेंड दार फोर न्यूटन पर कूलम अब यहाँ पे डाइपोल मोमेंट और इलेक्ट्रिक फील्ड तो होते हैं वैक्टर क्वान्टिटी ध्यान रखिए हमको टॉर्क निकालने को बोला है टॉर्क का फॉर्मुला होता है पी ई साइन थीटा बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है एक मिनट में आंसर आ जाना चाहिए टॉर्क भी एक वैक्टर क्वान्टिटी होती है ना फिलहाल यहाँ पे डायरेक्शन तो हमसे मांगा नहीं है सिर्फ मैग्नीट्यूड मांगा है और वैल्यू हम बहुत आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं डाइपोल मोमेंट का वैल्यू लगाइए डाइपोल मोमेंट का वैल्यू हो गया फोर इंटू टेंथ दार माइनस नाइन इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू लगाइए कितना दे रखा है फाइव इंटू टेंट दोर और साइन थर्टी ठीक है जी बहुत सिंपल क्वेश्चन है टेंथ दार माइनस नाइन टेंथ दार फोर कितना हो जाएगा टेंथ दार माइनस फाइव साइन थर्टी कितना होता है वन अपॉइंट टू ठीक है नाउ उसके बाद फोर इंटू फाइव कितना हो गया ट्वेंटी टू से कैंसिल करा आंसर आ गया टेन फाइनली टेन इंटू टेन दी बार माइनस फाइव टॉर्क की यूनिट क्या होती है न्यूटन इंटू मीटर दिस इज द वैल्यू ऑफ टॉर्क टेन इंटू टेंट माइनस फाइव न्यूटन मीटर है ना सिंपल क्वेश्चन अ पॉलिथिन पीस रब्ड विथ वूल इज फाउंड टू हैव अगेटिव चार्ज ऑफ थ्री इंटू टें दाइनस सेवन कूलम पॉलीथिन पीस को आपने वूल के साथ रब किया तो पॉलीथिन पीस के ऊपर कितना चार्ज आया माइनस थ्री इंटू टेंट दाइनस सेवन कूलम इतना चार्ज पॉलीथिन पीस के ऊपर आ गया अब जाहिर है अगर पॉलीथिन पीस के ऊपर नेगेटिव चार्ज आया होगा तो वूल के ऊपर कितना चार्ज आया होगा पॉजिटिव पॉजिटिव सेम वैल्यू थ्री इंटू टेंट दीवार माइनस सेवन पॉजिटिव चार्ज एक टॉपिक हमेशा याद रखना चाहिए जिसको बोलते हैं चार्जिंग बाय फ्रिक्शन अब चार्जिंग बाय फ्रिक्शन का मतलब क्या है कि अगर दो बॉडीज़ को आप रब करते हैं एक दूसरे के अगेंस्ट में तो एक बॉडी में से कुछ इलेक्ट्रॉन निकलेंगे दूसरी बॉडी में चले जाएंगे तो एक बॉडी में से अगर दस इलेक्ट्रॉन निकले तो दूसरी बॉडी में दस इलेक्ट्रॉन चले गए एक बॉडी के ऊपर अगर प्लस टेन कूलम का चार्ज आया तो दूसरी बॉडी के ऊपर माइनस टेन कूलम का चार्ज जा आना चाहिए तो जिसने इलेक्ट्रॉन गेन किया उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आता है जिसने इलेक्ट्रॉन लूज़ किया उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आता है नंबर वन चार्जिंग बाय फ्रिक्शन में एक बात और याद रखिए कि वैल्यूज हमेशा इक्वल एंड ऑपोजिट होना चाहिए तो दोनों बॉडीज के ऊपर जो टोटल चार्ज होगा वो बराबर होगा लेकिन उसका नेचर ऑपोजिट होगा वैल्यू बराबर होगी ठीक है ना हमको बोलता है कहाँ से कहाँ ट्रांसफर हुए इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुए जी वूल टू पॉलिथिन पीस तो पहला पार्ट तो हो गया वूल टू पॉलिथिन दूसरा पार्ट हमसे बोलता है कि कितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुए तो उसके लिए एक फॉर्मूला याद करिए Q इज़ इक्वल टू प्लस माइनस एन ई जिसको आप बोलते हैं क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज अब क्वांटाइजेशन का मतलब ये होता है कि एक बॉडी के ऊपर जो टोटल चार्ज होगा ना वो इलेक्ट्रॉन के चार्ज के इंटीग्रल मल्टीपल के बराबर होगा तो यहाँ से नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकालना बहुत आसान हो जाता है क्यू अपॉन ई कर दो सिर्फ क्यों पानी बहुत आसान तरीका है और कोशिश करना कि नंबर जो होना चाहिए ना वो जनरली पॉजिटिव वैल्यूज की निकाला करो इंटीजर चलता है लेकिन जब आप कैलकुलेशन कर रहे हो तो कोशिश करो कि नंबर जो कितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुआ इसका मतलब है यू हैव टू आइडेंटिफाई दैट डैट पॉजिटिव वैल्यू तो उसके लिए एक बड़ा आसान तरीका है आपने क्या करना है देखिए यहाँ पर आपने लिया माइनस थ्री इंटू टेंट दाइनस सेवन डिवाइडेड बाय इलेक्ट्रॉन का चार्ज माइनस वन पॉइंट सिक्स इंटू टेंट नाइनटीन नेगेटिव से नेगेटिव कैंसिल डेसिमल हटा दिया तो यहाँ आ गया ज़ीरो माइनस नाइनटीन ऊपर चला जाएगा हो जाएगा प्लस नाइनटीन तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन विल बिकम थर्टी डिवाइडेड बाय सिक्सटीन इन टू टेंट ट्वेल्व ठीक है जी दूसरी बात सिक्सटीन थर्टी को जब आप सिक्सटीन से डिवाइड करोगे दिस वुड बिकम वन पॉइंट ये हो गया लगभग एट सेवन तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर्ड फ्रॉम बूल टू पॉलीथिन वुड बी 1.87 पॉइंट एट सेवन इन टू टेन दे ट्वेल्व इतने इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर हुए अब दूसरे पार्ट में हमसे बोलता है क्या पॉलिथिन के पॉलिथिन पीस के मास्क में कोई चेंज आने वाला है येस yes. बिल्कुल आने वाला है अब यही देखिए ये यह एक मेरे पास पेन है अब मैं इस पेन को अपनी पॉकेट में डाल लेता हूँ तो जाहिर है मेरा मास्क में थोड़ा बहुत इंक्रीमेंट हो जाएगा ना अगर मैं डिजिटल मीटर का यूज़ करता हूँ तो वो तो छोटी से छोटी वैल्यू वो भी दिखा देगा तो कोई भी चीज़ अगर हम अपनी पॉकेट में डालते हैं तो उसका मास भी हमारे मास के साथ ऐड हो जाता है सिमिलरली पॉलीथिन पीस के अंदर कुछ इलेक्ट्रॉन्स अगर ट्रांसफर हुए तो पॉलीथिन पीस का मास कुछ हद तक बढ़ेगा ऑल वो बहुत एक छोटी सी वैल्यू होगी क्योंकि इलेक्ट्रॉन का मास तो बहुत कम होता है लेकिन फिर भी कोई वैल्यू तो होगी ना तो अगर हमें वो निकालना हो तो हम क्या कर सकते हैं देखिए तो हमने यहां पर करा मास इंक्रीज्ड ठीक है ना कितना मास इंक्रीज हुआ पॉलिथिन का तो वो कैसे आप निकालेंगे मास ऑफ वन इलेक्ट्रॉन इनटू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर्ड तो मास ऑफ वन इलेक्ट्रॉन होता है बार माइनस थर्टी वन के जी नंबर वन इंटू एन की वैल्यू आई है आपकी वन पॉइंट एट सेवन इंटू ट्वेल्व ठीक है जी दोनों को तो आप मल्टीप्लाई कर दोगे आपका आंसर आ जाएगा टेंथ द्वर माइनस थर्टी वन और टू द ट्वेल्व को अगर आप मल्टीप्लाई करते हो तो फाइनल आंसर बनेगा टेंट टू द पावर आपका थर्टी वन में से ट्वेल्व लेस कर लो तो ये बन गया आपका माइनस नाइनटीन ना नाइन पॉइंट वन को आप वन पॉइंट एट सेवन से मल्टीप्लाई कर लेते हो टोटल ओवरऑल आंसर आपका के जी में आ जाएगा ये एक्चुअल मास नहीं है पॉलिथिन का ये है टोटल इंक्रीज्ड मास कि कितना मास पॉलिथिन पीस का बढ़ा या चेंज हुआ उसमें ठीक है ना ओवरऑल वैल्यू कैलकुलेट करके आप फाइनल आंसर बता सकते हैं लेकिन ये एक जनरलाइज्ड वे था कैलकुलेशन करने का आप इससे दूसरा मेथड भी इस्तेमाल कर सकते हैं या कोई इसको इसमें से कुछ स्टेप्स कम भी कर सकते हैं कोई जरूरी नहीं है लेकिन फिलहाल ये प्रोसीजर फॉलो करेंगे तो गलती आपकी लगभग ना के बराबर होगी ठीक है एनसीआर क्वेश्चन वन देखिए क्वेश्चन क्या कहता है हमसे टू इंसुलेटेड चार्ज कॉपर स्फीयर्स एक स्फीयर है ए दूसरा स्फीयर है बी ठीक है ना इंसुलेटेड का यहाँ पर मीनिंग है कि दोनों के बीच में काफ़ी डिस्टेंस है बेसिकली टच नहीं कर रहे हैं एक दूसरे को ठीक है ना पहला स्पीयर ए दूसरा स्पीय बी और दोनों के बीच में जो डिस्टेंस हमको दे रखा है दैट इज़ फिफ्टी सेंटीमीटर पहली बात तो ये याद रखिए कि 50 सेंटीमीटर को ना आपको मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा तो R का वैल्यू जो आपको कंसिडर करना होगा वो 50 इंटू टेंट दार माइनस टू मीटर ये वैल्यू कैन कैलकुलेट या कंसिडर आपको करना पड़ेगा दूसरी बात वॉट इज द म्यूचुअल फोर्स ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्शन इफ द चार्ज ऑन ईच स्पीय सिक्स पॉइंट फाइव इंटू टेंट दाइनस सेवन कुलम पहले स्पीयर के ऊपर जो चार्ज है क्यू ए जिसको हम लिख लेते हैं सिक्स पॉइंट फाइव इंटू टेंट दाइनस सेवन और जो दूसरा स्पीय है उसके ऊपर भी चार्ज है सिक्स पॉइंट फाइव इंटू टेंट दाइनस सेवन कूलम ठीक है नाउ रेडियाई ऑफ ए एंड बी आर नेगेलिजिबल एज कंपेयर टू द डिस्टेंस इसका मतलब क्या होता है पहले तो आप ये समझो ये जो आर डिस्टेंस होता है ना दो बॉडीज के बीच में ये होता है सेंटर टू सेंटर मीन ए बॉडी का जो सेंटर है बी बॉडी का जो सेंटर है दोनों के बीच में जो टोटल डिस्टेंस है दैट इज इक्वल टू आर अब आर में ना ये रेडियस इंक्लूडेड होता है लेकिन इस क्वेश्चन में हमको बोला है कि रेडियस की वैल्यू फिफ्टी सेंटीमीटर के सामने कुछ भी नहीं है तो वैसे भी आप इसको इग्नोर कर सकते हो और जनरल कैलकुलेशंस में भी इग्नोर कर दिया जाता है इस क्वेश्चन में तो क्लियर मैंशनड ही है कि आपको इसको कंसिडर करना ही नहीं है रेडियस को लेकिन वैसे भी आप ये बात याद रखो कभी भी क्वेश्चन आता है ना जब तक स्पेसिफिकली गिवन ना हो या बहुत बड़ा रेडियस का वैल्यू ना हो तब तक कंसिडर करने का कोई खास बेनिफिट हमको होता नहीं है तो फिलहाल हम एक सेंटर से दूसरे सेंटर तक का डिस्टेंस 50 लेने वाले हैं और क्यू ए हमको गिवन है क्यू बी हमको गिवन है नाउ हमको बोलता है कि कैलकुलेट द फोर्स ऑफ म्यूचुअल फोर्स ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्शन रिपल्शन क्यों है भाई पहला चार्ज पॉजिटिव है दूसरा चार्ज पॉजिटिव है लाइक चार्जेस हैं रिपल्शन तो होना ही है अब बात आती है कि फोर्स की वैल्यू कितनी होगी वो कैलकुलेट करिए देखिए फोर्स का जनरल फॉर्मूला क्या होता है कूलम फोर्स का वन बाय फोर पाई एपसाइलन नॉट Q1 Q2 डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर अब यहां पर Q1 और Q2 दोनों एक ही वैल्यूज हो गई तो फोर्स का वैल्यू हमारा डायरेक्टली बन जाएगा वन बाई फोर बाई एफ साइलन सिक्स पॉइंट फाइव इन टू टेंट द पार माइनस सेवन इसका होल स्क्वायर ठीक है ना समझ आ रहा होगा ये पॉइंट क्योंकि Q1 और Q2 एक ही जैसा है r की जगह आपने लिखा फिफ्टी इन टू टेंड द पार माइनस टू इसका हो गया हमारा होल स्क्वायर ठीक है जी ना अब कैलकुलेशन हम स्टार्ट करेंगे वन बाई फोर बाई एफ सल एन की जगह नाइन इंटू टेंट दाइन सिक्स पॉइंट फाइव हमारा दो बार आ जाएगा टेंट द पार माइनस सेवन इसको आप दो बार लिखेंगे तो ये बन जाएगा टेंट द पार माइनस फोरटीन होल डिवाइडेड बाय फिफ्टी भी हमारा दो बार आ जाएगा इंटू टेंट दावर कितना हो गया हमारा माइनस फोर अब सबसे पहले मैंने आपको पहले भी ये बात रखी है कि सबसे पहले ना टेंट द पावर को कैलकुलेट करना चाहिए वो कितना हो जाएगा हमारा देखिए फोर्स का वैल्यू हमारा बनने वाला है यहाँ पर टेंट दीपार माइनस फोर्टीन है टेंट माइनस फोर है टेंट दीपार नाइन है तो टेंट दीपार आप नाइन एक बार लिखो माइनस का फोर्टीन एक बार लिखो और माइनस फोर नीचे से जाके ऊपर पॉजिटिव हो जाएगा तो प्लस फोर हो गया इन टू आपने करना है नाइन इंटू सिक्स पॉइंट फाइव इंटू सिक्स पॉइंट फाइव दो बारी डिवाइडेड बाई फिफ्टी इंटू फिफ्टी अब यहाँ से आप डेसिमल हटाओगे तो एक ज़ीरो आएगा दूसरा डेसिमल हटाओगे तो दूसरा जीरो आएगा ठीक है ना अब ये ओवरऑल वैल्यू आपका बन जाता है माइनस फोर्टीन और फोर हो गया माइनस टेन माइनस टेन और नाइन हो गया टेन डी बार फाइनली माइनस वन इन टू अब आपने कैंसिल करना है फाइव तो से कैंसिल करते हैं थर्टीन टाइम जाएगा ये जाएगा टेन टाइम्स फिर फाइव से कैंसिल करते हैं थर्टीन टाइम जाएगा और ये हो जाएगा वन थाउजेंड अब यहाँ पे आप एक चीज़ और कर सकते हो वन वन टू थ्री और फोर चार जीरो हो गए चार जीरो ऊपर चले जाएंगे तो टेंट दाइनस फोर हो जाएगा यहाँ पे आपका बचता है नाइन इंटू थर्टीन इन टू थर्टीन ठीक है नाओ टोटल फोर्स की वैल्यू बन गई टेंट दाइनस फाइव इन टू थर्टीन इंटू थर्टीन हो जाएगा आपका वन सिक्सटी नाइन नाओ वन सिक्सटी नाइन को आप नाइन से मल्टीप्लाई कर लो एट्टी वन हो गया नाइन इंटू सिक्स फिफ्टी फोर और एट हो गया आपका सिक्सटी टू नाइन और प्लस सिक्स आ गया वन फाइव तो फाइनली इट बिकम्स वन फाइव टू वन इन टू टेंड दर फाइव न्यूटन माइनस फाइव न्यूटन ना ओवरऑल आंसर तो हमारा ठीक है ये लेकिन हम इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं बिकॉज क्वेश्चन को ना जो भी हमारा आंसर पर रूल्स हमको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना चाहिए उसके लिए पहले डिजिट के बाद डेसिमल आना चाहिए हमारा तो पहले डिजिट के बाद डेसिमल अगर हमको लाना है ना तो वन फाइव सॉरी वन फाइव टू वन को मैं थाउजेंड से डिवाइड करूंगा तभी आएगा वन पॉइंट फाइव टू वन तो तो से मुझे, मुझे, मुझे भी करना पड़ेगा तो हमारी क्या बन जाएगी ये हमारा फोर्स का वैल्यू कैलकुलेट हो गया का एक सिंपल क्वेश्चन था यहां तक आपको समझ में आ गया होगा है ना नाउ सेकेंड पार्ट में हमसे अब क्या कहता है कि जो स्फीयर के ऊपर चार्जेज है ना उसको डबल कर दो और दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है उसे हाफ़ कर दो कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर जो हमारे स्फीयर थे उनके ऊपर जो चार्ज मौजूद था उसको हमने टू टाइम्स कर दिया यहाँ पर भी चार्ज हो गया टू टाइम्स और दोनों के बीच में डिस्टेंस हो गया वो हमारा हो गया हाफ़ तो फाइनली हमारे फोर्स की वैल्यू क्या बन जाएगी उसके लिए एक छोटा सा ना एक्सरसाइज करो आप यहाँ पर देखो कि फ़ोर्स का वैल्यू एफ़ डैश हमको कैलकुलेट करना है नाउ के जिसको हम बोलते हैं वन फाइव वन बाई फोर फाइव एफ सेल एन अब Q की जगह मैंने रख दिया 2Q क्यू इन रख दिया मैंने 2Q ठीक है डिवाइडेड बाय R की जगह मैंने रख दिया R बाय टू इसका होल स्क्वायर ये छोटा सा कैलकुलेशन है छोटा सा आप इसे एक्सरसाइज कह सकते हैं कि कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा करने की जरूरत नहीं पड़ेगी लेकिन आपको तरीका समझ में आ जाएगा तो F डैश की वैल्यू हमारी क्या बन जाएगी K टू इंटू टू हो गया फोर जो मैंने पहले लिख दिया ये बन गया क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर और ये जो टू है ना डिनोमिनेटर में ये हो जाएगा फोर टू का स्क्वायर फोर और फोर रेसिप्रोकल के ऊपर आ जाएगा तो नया फॉर्मूला जो फोर्स का वैल्यू बनेगा फार्मूला कह लो या वैल्यू कह लो उसको सिक्सटीन के क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर ये हमारा बनेगा नाउ फाइनली एफ डैश की वैल्यू 16 टाइम्स ये वाला जो फोर्स है ना हमारा ये पुराना वाला फोर्स है पुराना वाला फोर्स जो पुराना जो जो फर्स्ट केस हमको दिया है जो उसमें वैल्यूज दी थी उसके हिसाब से जो आंसर आएगा वो है के क्यू स्क्वायर ओवर आर स्क्वायर और वो वैल्यू किसके बराबर है ये सामने कैलकुलेशन लिखा है 1.521 पॉइंट फाइव टू वन इंटू टेंट दाइनस टू इंटू टेंट दाइनस टू क्लियर हो गया थोड़ी देर के लिए आप इसको लगभग 1.5 मान लो और ये हो गया 16 तो नया जो फोर्स आपके पास आएगा वो हो जाएगा 16 इंटू वन पॉइंट फाइव इंटू टेंट दावर माइनस टू सिंपल कैलकुलेशन लेट कर लेते हैं ये हो गया डिवाइडेड बाय 10 यहाँ पे आपने कैंसल करा फाइव टू ज़ा टेन और फाइव थ्री जा फिफ्टीन टू से हमने ये कैंसिल करा एट टाइम्स और ये बन गया हमारा ट्वेंटी फोर इंटू टेंट माइनस टू और ट्वेंटी फोर को जब आप टेंट माइनस टू से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा ज़ीरो पॉइंट टू फोर न्यूटन होपफुली क्वेश्चन के दोनों पार्ट आपको समझ आ गए होंगे जल्दी से नेक्स्ट क्वेश्चन में मिलेंगे